हाँ जी, अनम्यूट करें प्रभु जी पढ़ने के लिए। बोलिए शैलेश प्रभु जी, श्लोक पढ़ना है पहले। हाँ जी प्रभु जी, निराशी यत चित आत्मा त्यक्त सर्वे परिग्रह शारीरम केवल केवलम कर्म कुरुवेन न अप्रोति क्लिम्बश्यम। इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ें, इसका अनुवाद। ऐसा ज्ञान ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापी रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो मैं एक बारी दोबारा पढ़ देता हूँ इस श्लोक को। निराशी यह चित्तात्मा त्यक्त सर्वा परिग्रह शारीरम केवलम कर्मा पूर्वम न आपनोति किल्बिषम। इसका अनुवाद है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन, संयमित का मतलब होता है कंट्रोल्ड, मन का मतलब माइंड। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूरी तरह से पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। ये किसके लिए बोला गया है? भक्त के लिए। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। क्या ये भक्त के गुण बताए गए हैं यहाँ पे इस श्लोक में, कि भक्त जो होता है वो अपने मन को और अपनी बुद्धि को कंट्रोल्ड करता है। भक्त ऐसा नहीं होता कि अपने मन को वश में ना कर पाए। वो अभी क्या बोलेंगे, जो अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर ले वो हुआ गो स्वामी। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, गो यानी इंद्रियां, स्वामी यानी कंट्रोलर, जो अपनी इंद्रियों का कंट्रोलर हो, और जो इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाए वो कहलाएगा गौ दास। तो इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे अभी हम, जब भी आप जाओ कभी वृंदावन जाओ, तो वहां पे एक परंपरा चलती है जिसका नाम है गोस्वामी परंपरा। अब गोस्वामी परंपरा आप कहेंगे क्या ये ठीक है या गलत है, ऐसा क्या है इस गोस्वामी परंपरा में, तो आपको बताना चाहेंगे। अगर आपको लगता है एक इस्कॉन के भक्त को लें, ठीक है, महाराज हैं उनके आगे सरनेम पे, महाराज के आगे है गोस्वामी, ठीक है, और एक जात गोस्वामी यानी कि किसी का सरनेम है गोस्वामी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, आपको क्या लगता है? एक डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस, कि जो महाराज हैं सन्यासी स्तर पे हैं, वो सच में इतने लोगों को उद्धार कर रहे हैं, उनको दीक्षा देते हैं, और वो गोस्वामी इसलिए हैं क्योंकि उनको अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है हमारी इंद्रियों की तरह कि पनीर आ गई तो पनीर टेस्टी लगेगी और करेला आ गया तो करेला खराब लगेगा, उनको दोनों समान लगेगी, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज थे, कौन, प्रभुपाद जी के गुरुदेव, तो वो कैसे थे, उनके लिए सारी चीजें समान थी। अब वो कैसे खाते थे आप सोच के हैरान होंगे, मैंने पहले भी बताया, जैसे उनके पास कुछ आया, खीर भी आई, कुछ नमकीन आया, कुछ खट्टा आया, कुछ अनाज आया। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है माता जी, भक्त कह रहे हैं आ रही है। एक बार दोबारा से रिज्वाइन करें, तो मैं बता रहा था जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, प्रभुपाद जी के गुरु, तो उनके पास जैसे एक तरफ से खट्टा आया, एक तरफ से नमकीन आया, एक तरफ से स्पाइसी आया, एक तरफ से मीठा आया, अलग अलग चीजें आई। उसका वो क्या करते थे, खीर को मिला दिया, दाल को मिला दिया, सब्जी को मिला दिया, रोटी को मिला दिया, खट्टा मिला दिया, सब कुछ मिला दिया, उसको एक साथ मिला के फिर खाते थे। क्यों खाते थे? कहते थे पेट में जाके तो सब कुछ क्या बन जाता है, मल, क्योंकि चाहे आप मीठा खाओ वो क्या बनेगा, मल यानी कि स्टूल, अगर आप खट्टा खाओगे क्या बनेगा, स्टूल, अगर आप तीखा खाओगे क्या बनेगा, स्टूल। उनकी भाषा में अगर उनको कोई फॉलो करना चाहे, कॉपी कर सकते हो, सारी चीजें इकट्ठी मिलाओ और उसको खाओ, आपका पेट खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। इसलिए हम अपने आप को बोल दें गोस्वामी टाइटल लगा लें, सरनेम लगा लें, ये ठीक नहीं है। वृंदावन में जो परंपरा है उसकी, परंपरा के बारे में उसका रीजन ये है कि पहले के समय में जो सेवा करते थे वो सच में गोस्वामी स्तर के थे। परंपरा में उनके नीचे जो परंपरा में आते थे, आज से 400 साल पहले परंपरा में उस समय इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे, पर आजकल के समय में हम देखते हैं वो सिस्टम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, गोस्वामी या गोदास? गोदास। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हेट्रेड है किसी कम्युनिटी को लेके, हम भी गोदास हैं। हम अपने आप को नहीं बोल सकते कि हमें अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया वश में कर लिया, कर लिया हमने अपनी इंद्रियों को, नहीं, हमारा मन हमारे वश में नहीं है।
बुद्धि हमारे वश में नहीं है, कुछ खाने को आ जाए तो हमारा मन एकदम से विचलित हो जाता है, कुछ अगर प्यासे रह जाए 1 घंटा पानी ना मिले पागल हो जाएंगे गर्मी में, तो ये हमारे कंट्रोल नहीं है। मगर यहाँ पे बताया जा रहा है भक्त के बारे में, वह कैसा रहता है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। शरीर निर्वाह का मतलब है शरीर को चलाने के लिए, इसके लिए कर्म करता है भक्त इस तरह से, और स्वामित्व को त्याग देता है कि इस जितनी भी संपत्ति है मेरी नहीं है। अब लोग अपने घरों के बारे में लिखवाते हैं, क्या लिखवाते हैं, ठाकुर निवास या कृष्णा निवास, और उस घर के अंदर जब जाओ, आपने देखा होगा, अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, गोविंद निवास, कृष्णा निवास, है ना, ऐसे कई कई घरों में होता है। और जब आप उनके घरों में जाओ, उनके घर में जाके देखो, तो भगवान का मंदिर आप देखोगे तो बिल्कुल डार्क जेट ब्लैक मिलता है, इधर भी ब्लैक मिलेगा, बल्ब उसमें वो वाला लगा होगा, ट्रक वाला, रेड और ब्लू वाला। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, पर उनके घर में आप जाके देखो, वो ठाकुर निवास रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, और बोलते भी हैं सब कुछ कृष्ण कृपा, भगवान कृपा, मगर मानते नहीं है, क्योंकि अगर मानते तो उनका घर, अपना घर तो अच्छा बना लिया, मगर जिसके कारण से वो घर अच्छा बना, उनका घर तो गंदा है, क्लीन नहीं है, काला हो रखा है, रेड बल्ब रहता है, लाइट है ही नहीं, एक भी बल्ब नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहते हैं मैं तो पहली शाम सुंदर हूं और तुमने शाम कर दिया मुझे। तो हम मानते नहीं है कि भगवान स्वामी है, हम बोल भी रहे हैं कि तुम स्वामी हम सेवक, और पर हम मान रहे हैं अपने आप को सेवक, इसलिए स्वामित्व को त्यागना बड़ा मुश्किल है। मगर ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है, ऐसा का व्यक्ति जो होता है वो कार्य कर सभी कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। उसके पाप रूपी फल यानी पाप से जो कर्म आ रहे हैं, नेगेटिव बैड कर्मा जो उसको मिल रहा है, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने स्वामित्व को त्याग दिया है, अपने आप को ये मानना छोड़ दिया है कि मैं इस संसार का कंट्रोलर हूं। नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे, 22 नंबर। तो ये था 21 नंबर श्लोक, 21, नेक्स्ट 22। इस श्लोक में क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी बताया गया है, एक भक्त की क्वालिटी बताई गई है, तो हम इसको पढ़ेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्व अतीता विमत्सरा सिद्धौ असिद्धौ चाकृत्वा अपि ना निबध्यते। ट्रांसलेशन, इसका भावार्थ, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी जो लाभ अपने आप मिल जाए, जो द्वंद्व से मुक्त है, डुअलिटी नहीं हो, दोगुला ना हो, ईर्ष्या नहीं करता, जेलसी, ये तो बहुत बड़ा है, जो सफलता तथा असफलता में दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। ये भक्तों के बारे में बताया है, क्वालिटीज ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। प्रभुपाद जी लिखते हैं नीचे, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य है वह सच्चाई से कर्म करता है, और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। ये भक्त का गुण है, बहुत बड़ा गुण है ये भक्त के लिए, शरीर निर्वाह के लिए काम करना और उसके लिए अधिक प्रयास ना करना, जो मिल जाए उसे संतुष्ट रहना। लोगों में क्यों बेचैनी है आजकल के जमाने में, लोगों में, चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो, क्योंकि हर कोई कंपैरिजन करता है। अगर मैं भी बोलूं कि आप, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं नहीं करता, हम करते हैं कंपैरिजन। हो सकता है ये बात गीता, ये गीता में लिखी है, मगर ये बात फॉलो करना बहुत टफ है। आप देखो यहाँ पे लिखा है केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता हूं, और हम तो शरीर निर्वाह के लिए कर ही नहीं रहे, हम तो अपनी क्या हो रही है, डिजायर्स पूरी करने के लिए कर रहे हैं, नीड्स के लिए नहीं कर रहे, हम इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, मेरी नीड तो कुछ और है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जब आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट जाने पे हम बैठते हैं, कुछ ऑर्डर हो सकता है, आप जाना जिसने भक्त ने छोड़ दिया हो, मगर सबने खाया तो होगा। इस तरह से रेस्टोरेंट जाके आपने देखा होगा, बाल्टी में खाना आता है, छोटी छोटी बाल्टियां होती हैं, उसमें खाना आता है, क्या लोगे, दाल मखनी या शाही पनीर, फिर उसमें से ऐसे करके शाही पनीर निकालते हैं लोग, तो वो क्या है, डिजायर, इच्छा क्या है उसकी कि बाल्टी में ही खाना है, तो मंदिरों में चलता ही बाल्टी में, बैठ जाओ पत्तल लेके और फिर बाल्टी से डालेंगे। और आप देखो कई भक्त होते हैं या कई लोग होते हैं जिनको पत्ते में खाने का शौक होता है, हमने तो खाया, माता जी के यहाँ भी हम गए बैंगलोर में, तो हमने पत्ते में दिया, उन्होंने पत्ते में लेते हैं, वहां पे भक्त पत्ते में इन जनरल लेते हैं। पर जैसे हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने पे क्या होता है, वो आपको अच्छा सा सुंदर सा टेबल लगा देंगे, डाइनिंग, उस पर पत्ता बिछा देंगे, एकदम बड़ा सा केले का पत्ता,
उसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, आपका हैंड वॉश कराएंगे, टेबल पे आप बैठे होंगे, यहाँ पे आपके एप्रन लगा होगा या आपके यहाँ पे रुमाल बांध देंगे, एक अच्छा सा कपड़ा बांध देंगे, फिर आपको यहाँ पे कुछ दे देंगे कि ये लो अपना चम्मच ले लो, ये ले लो कटोरी ले लो, और फिर उसके ऊपर ऐसे करके डालेंगे। अरे ये तो मंदिर का सिस्टम है। जो रेस्टोरेंट आज सिस्टम अपना रहा है उसने कहाँ से कॉपी किया, ये वैदिक सिस्टम को कॉपी करा गया। जितने रेस्टोरेंट्स हैं आप देखो, जो जो बोलते हैं देसी देसी खाना, जिनको बोलते हैं देसी खाने के नाम पे चलते हैं, तो वो किसको कॉपी कर रहे हैं, वैदिक सिस्टम को ही तो कॉपी कर रहे हैं। तो हम देखो द्वैत में फंसे हुए हैं, हम जान नहीं पा रहे कि मैं अगर सिंपल लाइफस्टाइल जीऊंगा शरीर निर्वाह के लिए, तो मेरा काम बाल्टी से चल सकता है, मंदिर में जाके या अपने घर में बैठ के भी मैं ऐसे खा सकता हूँ। पर वो स्पेशली आता है पैसे देके, उसी खाने को जो उसके घर में कितने रुपए का पड़ेगा, आप अपने घर में जो कुक हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं माता जी, तो वो तो जानती हैं घर में कितना, जो या जो कुक कुक करता है कितना पैसा लगता है अपने घर में कुक करने में, घर का खाना सस्ता पड़ता है या बाहर का, बाहर का महंगा पड़ता है घर का सस्ता। तो शरीर निर्वाह के लिए कहाँ कार्य किया, बोल तो रहे हैं वी आर डिवोटीज, पर हम शरीर निर्वाह के लिए नहीं कर रहे, हम अधिक से संतुष्ट होना चाहते हैं, कम से संतुष्ट नहीं होना चाहते। और बोले भी जाता है, बोल भी रहे हैं, संतुष्टा ही परमम सुखम, संतुष्ट हो जाना ही परम सुख है, फिर हो भी नहीं रहे संतुष्ट। सेटिस्फेक्शन आ जाना बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, इस चीज की सेटिस्फेक्शन की जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो वाले उन कितने, वो वाले प्रभु जी या वो वाले माता जी की कितनी सैलरी है, वो वाले कितना कमा रहे हैं, वो वाले कितना कितना अर्न कर रहे हैं, वो गाड़ी में आ रहे हैं, पर जब हम देखते हैं हम परेशान हो जाते हैं। उनकी सफलता से हमें चिढ़ मस्ती है, असफलता से किसी की हमें खुश होती है, तो दोनों में हम द्वैत कैसे है, डुअलिटी में फंसे हैं, जेलसी हमारे अंदर रहती है आमतौर पे, रहता है सब, हर कोई एक दूसरे से जेलस करता है। पहले हमने भगवान से किया, इस संसार में आए भौतिकवादी थे तो लोगों से किया, अब जब भक्ति में आ गए तो भक्तों से किया, ये जेलेसी का भाव हमेशा बना रहता है। जितना ज्यादा भक्ति में इन्वॉल्व होंगे ये चीजें आऊंगी, क्योंकि जेलेसी कब आती है, एक व्यक्ति से जेलेसी कब आती है, आप जल रहे हो क्या किसी से, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट से जलते हो, जलता है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अच्छा इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से कौन जलता है, एक भक्त जो हैंड रेस कर सके कि हाँ मैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से बहुत जलता हूँ। जेलसी आती उसके प्रति है जिसके साथ आप ज्यादा रहते हैं, ईर्ष्या आना स्वाभाविक है। तो जब ये इन चीजों से हम पार हो जाएंगे, इनको लांग जाएंगे, तब यहाँ पे बताया गया है वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, कर्म भी करेगा बंधेगा नहीं, क्योंकि वो द्वंद से मुक्त हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ता मुझे सेटिस्फेक्शन हो, मुझे सेटिस्फेक्शन में रहना है, अच्छा हो बुरा हो, सफलता मिले असफलता मिले, कोई भला बुरा बोले तो मैं जेलस नहीं होगा, किसी की प्रोग्रेस देख के मैं जेलस नहीं होगा, कोई मेरे से आगे निकल जाए तो जेलस नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपने आप को जो स्वतः जो मुझे लाभ मिल रहा है उसे संतुष्ट रहूंगा, ना कुछ किसी से मांगना नहीं, भक्त का काम होता है एक दूसरे से उधार ना मांगे। कई बार मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे ये भी होता है भक्तों को एक बेसिक गाइडेंस हमें देनी चाहिए, और ये सबके लिए कॉमन स्टेटमेंट है, कई बार भक्त कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी मैं ना बड़ा परेशान चल रहा हूँ, कुछ भेज दोगे मेरे अकाउंट में, 1,000 रुपए भेज दोगे, तो सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, 500 दे दो 1,000 रुपए दे दो, सबका रहता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प मांगता है। अब देखो आपको हेल्प कब करनी चाहिए, सिंपल है, अगर आपको पता है कि इनसे मांगने के बाद मुझे लेना है तो मत दो, क्योंकि भक्त हो सकता है ना दे, और जनरली केस में यही होता है नहीं देता। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बार एक मृदंग मंगवाया, मैंने एक प्रभु जी को कहा कि आप मेरे लिए मृदंग ले आइए, ये रहे 10,000 रुपये। मृदंग कितने का आता है, 4 से 5 हजार रुपए का, और उन्होंने बोले 10,000 रुपये। मैंने कहा आप मुझे सिखा भी देना, मुझे थोड़ा भी नहीं आता तो आप मुझे बता देना कैसे कैसे हाथ चलाने, तो उन्होंने मेरी 2 या 3 क्लासेस ली, उसमें भी वो फोन पे ही लगे रहते थे पूरा टाइम, बोले ऐसे ऐसे करो तेरे खेटा धा करो, और लगे रहे फोन पे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने पैसे भी दे दिए और रिटर्न मांगने का भी है। इसलिए भक्तों के लिए एक बेसिक गाइडेंस होती है कि भक्तों को पहली चीज, अगर आपको लगता है कि मुझे इसको ये मुझको नहीं देंगे वापस, या मुझे हो सकता है डाउट है, तो मत दो, इसमें कोई अपराध नहीं है। भक्त सोचते हैं अपराध है बेचारा वो है हमने तो ये नहीं किया, बल्कि तब ज्यादा होगा, आप दे दोगे फिर वो नहीं देंगे, वो तो कर ही रहा है और आप भी कर बैठोगे, इसलिए देना ही नहीं चाहिए, बेस्ट रहता है। मैंने ये पर्सनल एक मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा, इसलिए भक्त के बारे में भी बोला गया कि पहला है कि भक्त को मांगना ही नहीं चाहिए, ये देखो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए कभी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है।
ये किसके लिए लिखा है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, डिवोटी, किंतु यथा समर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है। देखो, अपतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। देखो, यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, जो श्रम से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है। मांगता नहीं है भक्त, उधार नहीं लेता, नहीं लेना चाहिए। अगर कमी है कम से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि उधार लेना बड़ा भयानक पड़ता है। अगर आपने इस जन्म में नहीं चुकाया उस व्यक्ति का उधार, आप जानते हो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलने वाला है। अगर मान लो मैंने किसी का 1,000 रुपये, 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए लेने के बाद मैं घर बैठ गया, मैं बोला, अब मैं जिसको कॉल करके मैंने मांगे, मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, जाओ जो करना कर लो। और उसने भी सोचा कि अरे मैं इसको, बहुत बेचारा भक्त है, अगर मैं इसका पुलिस केस करवाऊंगा तो इस्कॉन का नाम खराब होगा, तिलक भी लगाता है। अब अगर मैं मांगू तो ये पर्सनल लेवल पे दे नहीं रहा, किसी भक्त के थ्रू दुलवाऊं तो ये दे नहीं रहा, तो अब क्या करें? पहला है धोई मत। अब भक्त को खुद ही समझदार होना चाहिए कि मैं उधार क्यों मांग रहा हूँ। मैं भक्त हूं, मैं उधार थोड़ा ना मांगने आया हूँ। मेरी, मैंने उधार लिया, चुकाया नहीं, तो मुझे देने आना पड़ेगा। उसकी इच्छा बनी है सामने वाले की कि वो मुझसे लेना चाहता है कि मेरा उधार चुकाओ, उसको भी दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा कि उसको भी तो उधार वापस चाहिए मेरे से। फिर हम कभी किसी जन्म में मिलेंगे और मैं उसको बोलूंगा ये लो 1 लाख रुपए, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए पहले है भक्तों के लिए एक बेसिक गाइडेंस, कभी उधार मत लें, कम से संतुष्ट रहें, यदि किसी से लें तो उसको देना भी जाने, ये भक्त का एक गुण होता है। और जनरली ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं। एक बार ही की बात है, यहीं पास में ही द्वारका के मंदिर की, या आप कह सकते हैं, है ना, और कई ऐसे मंदिरों की रहा है जिसमें कई बार आपने देखा होगा कि भक्त डोनेशन लेके अपने नाम पे लिखवा लेते हैं, रसीदें ही नहीं देते, पीछे से रिसीप्ट होती हैं, अपना ही नाम की रसीदें कटवा लेते हैं। ऐसा भी होता है, उसमें लिखा ही कहीं नहीं होगा इस्कॉन, छोटा सा लिखा होगा, उसके नाम की रसीद काट देते हैं, और पीछे वाले जो भक्त होते हैं वो सोचता है इस पे क्या केस डालूं। ऐसा भी हुआ है। तो ये चीजें क्यों होती है? आप कहोगे इस्कॉन में होता है, नहीं, हर जगह होता है। इसलिए आप, मैं यही कहता हूँ, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ क्योंकि करने से हमारा, हम उसको दे तो देते हैं, फिर हमारी रिटर्न की इच्छा रहती है। इसलिए हमारे को प्रॉपरली देखना चाहिए, जो भी हम दान दें उसकी रसीद मिले, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके साथ आदान प्रदान एक्सचेंज चल रहा है, वो एक्सचेंज या तो लविंग एक्सचेंज हो। लविंग का मतलब ये नहीं है गले में गले डालना, लविंग का मतलब है प्यार से दें और प्यार से वापस भी लें। ऐसा ना हो कि मार पिटाई करके लेना पड़ रहा है, गला दबा के प्रभु निकाल प्रभु ऐसे करके, तो वो केवल अपराध होगा। तो ये एक भक्त के गुण यहाँ पे बताए गए हैं, ऐसा होता है भक्त, उसको कर्म बंधन में वो नहीं बनता। अब हम आगे बढ़ेंगे 23 नंबर श्लोक में। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरता कर्मा समग्रम प्रवीलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, कौन से गुण है प्रकृति के? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे अनासक्त, इससे अटैच नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब ये ब्रह्म लीन कहां से आ गया? अब देखो कितना अजीब सा लगेगा कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्म में लीन होना, ये क्या है ये ब्रह्म में लीन होना? वैसे तो भगवान कह रहे हैं मैं ही परम भगवान हूं, ये ब्रह्म लीन कहां से आ गया फिर? ये तो मायावाद आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर रजनी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, रीड करने के लिए मैंने अच्छा रेज हैंड ठीक किया है, मैं था। नेक्स्ट श्लोक आपको अनम्यूट करूंगा। तो ये ब्रह्म लीन के बारे में है, तो ये अजीब सी बात हो गई। यहाँ लिखा है प्रकृति के जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी जो प्रकृति के गुणों से अटैच नहीं है। आप पढ़ के देखो, कोई आपको कंफ्यूज कर देगा गीता के अंदर, कहेगा इसमें ब्रह्मलीन लिखा है, आप ही किस कौन की गीता में, और आप कह रहे हो कि भगवान ही सब कुछ है, इस श्लोक में क्यों ब्रह्मलीन डाल दिया? क्योंकि आपको क्या लगता है, क्या लोग चतुर नहीं है? बहुत चतुर है, आपसे भी ज्यादा है, क्योंकि वो आपको चेक करना चाहते हैं। जो दिव्य गुणों में पूर्णतया स्थित है, दिव्य गुण कौन सा है पहले जानना पड़ेगा। तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, आपसे कोई बोले ब्रह्मलीन का कंसेप्ट क्या है, तो तीन गुण हो गए। ये तीन गुण कैसे होते हैं प्रकृति के? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक चेन है, एक आदमी को आपने लोहे की चेन से बांधा, क्या बोलोगे?
बंधा हुआ है। एक आदमी को सिल्वर की चेन से बांधा, क्या बोलोगे? बंधा हुआ है। एक आदमी को गोल्ड की चेन से बांधा, आप क्या बोलोगे? बंधा हुआ है। तो चाहे लोहे की जंजीर हो, लोहे की चेन हो, चाहे सिल्वर की चेन हो, चाहे गोल्ड की चेन हो, चेन तो चेन ही है। ऐसी चाहे तमोगुण हो, इग्नोरेंस में जिए, चाहे रजोगुण हो, पैशन में जिए, इच्छाएं हो उसकी अलग अलग भौतिक इच्छाएं, चाहे सतोगुण में हो, सतोगुण भी एक तरह से बंधन ही है। वो गोल्ड की चेन देखने में अच्छी लग रही है, लोहे की चेन बांधोगे तो ऐसी दर्द होने लग जाएगा, मगर गोल्ड की बांधोगे टाइट भी बंधेगी तो अच्छा लगेगा देख के, अरे देख कितनी अच्छी लग रही है, गोल्ड की चेन है, क्या पता थोड़ी टूट के गिर जाए, ले जाऊंगा। सतोगुण भी अच्छा लगता है। तो एक है कैसे, तीनों एक तरह से चेन ही है, जंजीर है। अब यहां पे बताया गया जो दिव्य गुणों में पूर्णतया स्थित है, अब दिव्य गुण कौन सा है, उसके सारे क्रम कर्म भ्रम में लीन हो जाते हैं। दिव्य गुण है इन तीन गुणों के ऊपर, वो है शुद्ध सत्व, यानी सतोगुण का ऊपर का गुण जिसे कहते हैं, तीनों गुणों के ऊपर शुद्ध सत्व गुण। ये भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक गुण है जो भक्तों के अंदर होता है। तो इस तरह से ये तीन गुणों को पार करके जब वो व्यक्ति शुद्ध सत्व में चला जाता है, तब उसके सारे कार्य भ्रम में लीन हो जाते हैं। अब इसका मतलब हम समझेंगे, भ्रम लीन का मतलब क्या है। देखो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि लोग आपको कंफ्यूज करेंगे इन्हीं श्लोक में करेंगे, आप ही की फैमिलीज, आप ही के रिलेटिव्स, जब ये पढ़े, जिसने पढ़ रखी होगी, आप क्या हो गए, अरे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो आप देखना यहाँ पे लिखा है ज्ञान अवस्थित, क्या मतलब लिखा है, ब्रह्म में स्थित। ये ब्रह्मा नहीं है, कई बार इसमें हम सोचते हैं हा के आगे एक आ की मात्रा है तो ये ब्रह्मा है, नहीं। अगर इसके आगे देखो दो मात्रा लग जाएंगी हा के आगे तो ब्रह्मा बन जाएगा, अभी ये ब्रह्म है। तो इसका मतलब है ज्ञान अवस्थित का ब्रह्म में स्थित, इस तरह से। अब इसका हम तात्पर्य पे जाएंगे, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त होता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मष से मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, मुक्त क्यों होता है, यहाँ पे भ्रम में लीन होने का मतलब क्या है, मुक्त हो जाना, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना भावित से भावनामृत से विचलित नहीं होता। आप देख रहे हो इसका मतलब, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कर्म भ्रम में लीन होना, ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ये तो भ्रमलीन मायावाद हो गया, निराकार में कैसे बात कर दी यहाँ पे। और नीचे लिखा है अपने कार्य भगवान को समर्पित कर देना, ये है। इसलिए कई बार हम कहते हैं तात्पर्यों की वैल्यू क्या है, तात्पर्यों की वैल्यू ये है, वर्ड मीनिंग की वैल्यू क्या है। वहां पे देखो क्या लिखा था, वर्ड मीनिंग में आपको दिखाता हूँ, वर्ड मीनिंग में लिखा था ज्ञान अवस्थित और इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ब्रह्म में स्थित। तो ये इसका मतलब, ये ब्रह्म किसके लिए लिखा जा रहा है, उसके सारे क्रम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी कि कृष्ण के लिए हो जाते हैं। आप समझे इसका मतलब क्या है, सारे क्रम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। असली ज्ञान क्या है, सारा कर्म भगवान के लिए करना। ज्ञान अवस्थित का मतलब है ब्रह्म में स्थित रहना, यानी कि सारे कार्य, ये जानना कि मैं एक आत्मा हूं, सारे कार्य आत्मा के स्तर पे करना। और आत्मा के स्तर पे किसके लिए होते हैं, भगवान कृष्ण के लिए। भोग किसके लिए लगाते हैं, कि हम प्रसाद पाएं भगवान का, आत्मा को आनंद आता है। जब हम कमाते हैं भगवान के लिए, दान देते हैं, तो क्या होता है, हमारे धन शुद्ध हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया, वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता, ये इसका मतलब है। अब देखो ब्रह्म में लीन होना कितना मतलब, अगर आप देखोगे गीता प्रेस की उठाओ या कोई गीता उठाओ, ये वाली भी उठा लो, आपको लोग निकाल देंगे भक्ति से अंदर, निकाल देंगे, थोड़ी सी बहस करेंगे, आप बहस करोगे आपको लगेगा अरे मैं तो हार गया इससे, मैं हार गया प्रभु जी सॉरी, मैं तो मेरे बस का नहीं था, मुझे लगा कि बहुत बड़ा मैं कुछ करने वाला हूँ पर मैं तो हार गया इससे, बहसबाजी में हार गया। वो आपको इतनी सी चुटकी में हरा देगा, कहेगा हार गया देखा मैं था सबसे ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए और वर्ड के मीनिंग दिए, उनको पता था बेचारे हैं ठग हार मान जाएंगे, तो इनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होगा, इसलिए शब्दार्थ भी जरूरी है तो तात्पर्य भी जरूरी है। अब आप समझे वर्ड मीनिंग, एक एक वर्ड का क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को, ऐसी ट्रांसलेशन थी, बोल लो ये लो एज इट इज, एज इट इज वाली ट्रांसलेशन दे रहा हूं,
इस गीता के पैसे 250 रुपये इसलिए पड़ते हैं, 200-250 रुपये जो भी पड़ रहा है प्राइस इसका करंटली आजकल, क्योंकि इसमें तात्पर्य लिखे हैं, इसमें प्रभुपाद जी के वचन है, उनकी मेहनत है, आप मेहनत के पैसे दे रहे हो उनके, और मेहनत के पैसे इसलिए गीता का प्राइस इतना है। इसलिए नहीं है कि ये कोई बेचने के लिए, सेल के लिए आउट ऑफ स्टॉक थी, या सेल के लिए कोई बढ़ गई, इसकी सेल आ गई तो दोबारा से सेल के लिए प्राइस बढ़ा दिया, इसलिए है। अगर आप इसकी फोटोकॉपी कराने जाओ गीता की, कितने पेज हैं मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, 644। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 644 पेजेस दिखा रहा है। अगर मैं करीब 650 पेजों का प्रिंट फोटोकॉपी लेता हूँ, कितना हो गया, एक मान लो 50 पैसा पर कॉपी है, 650 पेजेस हैं, 50 पैसा कॉपी है। मैथ्स ओलंपियाड चैंपियन कौन है देखते हैं, यश माने प्रभु जी, 325 रुपये। 325 रुपये हो गए। तो देखो 325 रुपये की आपको एक गीता पढ़, अगर हम देखें सही रूप से तो ये गीता का प्राइस 325 रुपये होना चाहिए। आपने ही तो बोला 50 पैसा कॉपी है, इससे सस्ता तो नहीं है आपके यहाँ पे, कोई है तो नहीं बहुत बड़ा डीलर हो जो सस्ते में निकलवा देता हो आपको, मैं दे देता हूँ बंडल बहुत सारे, इसलिए इसका प्राइस है, मेहनत है इसमें। और अगर आप देखो, आप बोलोगे प्रभु जी बल्क में प्रिंट होती है इसलिए सस्ती पड़ती है, ठीक है, तो इसमें कलर्ड इमेजेस भी तो हैं, कलर्ड प्रिंटआउट कितने का पड़ता है आपको इन जनरल, आप जो पैसा दे रहे हो, आप वो हम बोल तो रहे हैं जाया जाया प्रभुपा प्रभुपा, और हम यही नहीं बोल पा रहे, कोई बोल रहा है आप 250 रुपए की गीता बेच रहे हो, बिजनेस बना रखा है आपने, अपना सिस्टम खोला हुआ है, नौकरी, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है तो सड़कों पे ये बांट रहे हैं, ये सब बांट रहे, क्या है ये सब पागलपंती है, ये सब छोटे बच्चों को लगा रखा है, ठीक है, पहली बार वाला व्यक्ति तो बोलेगा, पुराने लोग भी यही बोल रहे होते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, यही रीजन है, हम प्रभुपाद जी के भावनाओं को और प्रभुपाद जी की मेहनत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सिंपल। अगर आप जिस दिन एक्सेप्ट कर जाओगे, आप कुछ दिन कहोगे मैं अपने गुरु की मेहनत के पैसे दे रहा हूँ, ये मेरे जो हमारे प्राइमरी शिक्षा गुरु, इस्कॉन में कोई नहीं है, आपको प्रभुपाद जी मिलाने वाले हैं, आज हमारा रिलेशन या किसी का भी रिलेशन एक दूसरे से इसलिए है प्रभुपाद जी। अभी आप चले जाओ, मान लो कोई अभी प्रभु जी है, वो बोले मैं अब राधे राधे करने लगा हूँ, मैं बोलूंगा ठीक है हरे कृष्णा, वो अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, बात करना छोड़ देंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, इसलिए हमारा रिलेशन उनके कारण है, ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इस चीज के पैसे हैं, नहीं तो आप भी भ्रम में लीन हो जाओगे। नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, माता जी रीड करेंगी 24 नंबर श्लोक, फिर यश माने प्रभु जी रीड करेंगे, और कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर रजनी माता जी पढ़ेंगी श्लोक 24 जी को। प्रभु जी, ब्रह्म हवि बहार जो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म वेतेना गंतव्या ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका ट्रांसलेशन हाँ भावार्थ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन अध्यात्मिक होता है और हवि भी अध्यात्मिक होती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू। हरे तो इसको एक बारी मैं पढ़ता हूं, अब देखो ये है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो देखो ब्रह्म 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 ब्रह्म, इतना भ्रम आया है कि हम ब्रह्म में ही पड़ जाएंगे, इतना भ्रम है हर जगह, देखो भ्रम ही भ्रम वर्ड है, ऐसा लग रहा है कि भाई हम भ्रम में ही डाल दिया है, तो भगवान ने इतना भ्रम पैदा कर दिया। अब देखो ब्रह्म के कितने वर्ड, ये ब्रह्मा नहीं है, मैं पहली बताऊं, अगर हा के आगे दो मात्रा आएंगी तो ब्रह्मा, एक आएगा तो ब्रह्म, तो ब्रह्म यहाँ पे देखो इसका वर्ड, एक ही संस्कृत वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, फिर आगे ब्रह्म आया है, ब्रह्म का मतलब भ्रम, आत्मा भी हो सकता है, ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल, ब्रह्मणा आत्मा द्वारा, फिर आया है भरम ब्रह्म परम धाम यानी भगवान का धाम के बारे में बताया जा रहा है, ये वर्ड भगवान के धाम के लिए वर्ड यूज हो रहा है, ब्रह्म फिर आध्यात्मिक के लिए यूज हो रहा है, तो देखो एक ही वर्ड को कई बार अलग अलग वर्ड मीनिंग निकल रहे हैं, इसलिए इसलिए ये जो होता है गीता शब्दार्थ ये सब चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि हम ब्रह्म को क्या समझेंगे, आप ब्रह्म को क्या समझते हो, निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म मतलब
कि भगवान जो है निराकार है, ब्रह्म 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 कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप भ्रमित हो चुके हो, ब्रह्म में आ जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ, क्योंकि पिछली बार भी कह दिया ब्रह्म में लीन, फिर कह रहे हैं ब्रह्म 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 ब्रह्म, इस तरह से हमारे को भ्रमित कर देंगे भगवान एक दिन। इसलिए भगवान के बारे में ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग इसलिए दिया जाता है ताकि हमें क्लियर हो कि है क्या एक्चुअली भगवान, कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें आगे इसका मीनिंग है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, पूरी तरह से जो लीन रहता है भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम प्राप्ति होती है। जो भी वो आध्यात्मिक कर्म करता है उसे अवश्य, ये नहीं बोला भगवान ने शायद हो जाएगी, शायद अभी नहीं भेजूंगा तुम्हारे को, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है। हवी यानी कि घी, जिसे घृत कहते हैं, घी हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ भ्रम के बारे में। और इसी श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है समाधि के बारे में, इसका मतलब है समाधि का, इसमें मतलब बता रहे हैं, जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं, ये समाधि है। तो कई बार आप सोचेंगे समाधि तो अलग अलग तरह की होती है, हम तो देखते हैं गड्ढा करा जाता है, फिर किसी के बॉडी को उसमें रखते हैं, उसको उसको बंद कर देते हैं, ये समाधि होता है। ये तो समाधि हो गई आचार्यों की, ये समाधि की दिशा बता रहे, समाधि दशा। तो समाधि की जो दशा है उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप पागल हो जाओगे, आपका मन हमेशा भगवान में लगे रहेगा, हर समय आप भगवान का चिंतन में रहोगे, इसे कहते हैं समाधि अवस्था। और यहाँ पे बता रहे हैं जब व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, अवश्य ही उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, अवश्य। तो आप जो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो इसमें लगे रहोगे, अगर पूरी तरह से आप इसमें लगे रहोगे अवश्य आपको प्राप्ति होगी। और आप कहोगे कैसे, हम कैसे मान लें कि हमारे को इसी जन्म में प्राप्त होगी भगवान की, भगवान का धाम प्राप्त होगा, भगवान ने बोला अवश्य करके तो देखो, हम अभी पूरी तरह से लगे कहाँ है, पूर्णतया बोला है, पूरी तरह से लगना होगा, अभी हम पूरी तरह से नहीं लगे। पूरी तरह का मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी, हर चीज को कृष्ण केंद्रित लाना होगा, कुछ भी हो जाए आपको भगवान को सेंटर अपने जीवन का बनाना होगा। नेक्स्ट श्लोक करेंगे अब हम 25। अब ये श्लोक आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया गया है। अब आप यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप गीता पढ़ोगे सेल्फ, जो मैंने भी पढ़ा, मुझे एक दो बार में खुद कभी नहीं समझ आया कि ये था क्या। अब हम इन श्लोक्स को समझेंगे ये है क्या। 25 नंबर श्लोक पे चलते हैं, तो जितना बेस्ट हो सकेगा इजी वे में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो ये पढ़ेंगे, यश माने प्रभु जी पढ़ेंगे, हैंड रेज है। दैवम एव अपरेयज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मा अग्नौ अपरेयज्ञम यज्ञेन एव अपजुहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हाँ, इसमें बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ के बारे में। तो कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो मटेरियल होते हैं, जो किसके लिए किए जाते हैं, देवताओं के लिए। क्यों किए जाते हैं देवताओं के लिए, देवताओं से इच्छा मांगने के लिए। जो इच्छा भगवान पूरी नहीं करेंगे वो हम देवताओं से मांगते हैं। जैसे मैंने लास्ट भी एक एग्जाम्पल दिया था, आप मान लीजिए, एक दोबारा से एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मान लो आप कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए हो, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, संडे का टाइम है, आप संडे को नाइट टाइम डिनर करने गए हो, नाइट डिनर करने, आप कहोगे वाह मजा आ गया, आज तो संडे नाइट डिनर है। अब संडे नाइट डिनर में सबसे पहले आपके पास जाके आपको वेलकम कौन करेगा, आपके लिए गार्ड ओपन करेगा डोर, कहेगा अंदर आ जाओ, आइए सर, है ना, आपको क्या बोलेगा, नमस्ते या हेलो, इस तरह से आपको ऐसे बुलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जब आप टेबल पे जाएंगे तो कौन आपको वेलकम करता है, फिर आपको एक कोई मिलते हैं, एक ऐसे पर्सन मिलते हैं जो वहां पे, जिनको हम बोलते हैं एज अ वेटर, वहां पे जॉब करते हैं, तो वहां पे वो आपको मिलेंगे, फिर आपको कहेंगे सर प्लीज हाउ मेनी पीपल आर यू, आप कितने लोग हैं, आप कहोगे प्रभु जी आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे, अरे हम भी तो गए हैं, हम नहीं गए क्या, हम झूठ, मैं हम बोल दे नहीं, हम तो पैदा हुए, पैदा होते ही हमारा नामकरण हो गया, बोले ये तो कुल का नाम रोशन करेगा।
ऐसा कुछ नहीं था। जैसे सब जिंदगी जीते हैं टोटली, हम भी उसी मटेरियल लाइफ में थे। एक्सेप्ट करना होगा, बहुत लोग आपसे छिपाएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं था। अरे आप नहीं थे तो आपके बारे में तो लीला अमृत लिखनी चाहिए फिर, और क्या, सब थे हम। जो आपको ऐसा बोल दे वो गलत बोल रहा है, फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कलयुग का प्राणी थोड़ा ना, फिर वो सतयुग में होना चाहिए अगर उसने एंजॉय नहीं करा। सब ऐसे एंजॉय करते थे। फिर आप देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जाके एक वेटर आपको बुलाता है, वेटर आपको बोलता है कितने लोग हैं आप बोलोगे 4 लोग 5 लोग, वो वाली टेबल देगा आपको। फिर आप देखेंगे जब आपको बिठा दिया, फिर वो नेक्स्ट आपको एक मेन्यू देते हैं, मेन्यू दे के आपको ऑर्डर देना होता है। ऑर्डर में आपने बोला ये 10 आइटम बोल दिए, बोले मुझे 10 आइटम दे दो ये वाले, बोलेगा ठीक है। आपको 15 मिनट वेट करना होगा, वन बाय वन उसके बाद लेके आने लगता है। जैसे ही लेके आने लगा, आप एकदम से पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। आप जब चूहे दौड़ने लगे, आपने देखा कि ये जो पर्सन है ये वेटर है, एक उधर पर्सन बैठा है सामने, वो सामने दूर बैठा है, वो कौन है, वो यहाँ का मैनेजर है रेस्टोरेंट का या इस जगह का, होटल का, जहाँ पर्सन है खाने गया है। वो कहेगा अरे यहाँ की, ये यहाँ का मैनेजर है, ठीक है। अब वहां पे ओनर नहीं बैठता। जब आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक फ्रेंचाइज है मैकडोनल्ड, खाए होंगे आपने खूब बर्गर वर्गर, खूब मुर्गियों को डाल के, या किसी आलू तो डाला ही होगा, कुछ तो डाला ही होगा, या पिज्जा खाया होगा, डोमिनोज पिज्जा, या कोई कुछ तो खाया होगा, ये पेप्सी पी होगी, कोल्ड ड्रिंक, काली ड्रिंक्स, ऐसी चीजें जो हमने खाई हैं पी हैं। हम सब जानते हैं इनका जो, ये सारे रेस्टोरेंट क्या है, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज किसी किसकी है, ये कंपनी का मालिक कोई और है जो यहाँ पे है एज अ वो सेकेंड ओनर बन के चला रहा है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कंपनी खरीद ली है, वो ये बोलेगा मैंने ये फ्रेंचाइज ली है। तो कभी भी ओनर जनरली अपने ही काम में नहीं बैठता, छोटे लेवल पे तो हो सकता है पर बड़े लेवल पे नहीं होता ऐसा काम। ओनर आपको नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मैनेजर मिल जाएगा, रिसेप्शनिस्ट मिल जाएगा, या आपको वेटर मिल जाएंगे, गार्ड मिल जाएंगे, यही मिलने वाले हैं आपको। अब आपने ऑर्डर दिया, खाया पिया, आप बोलोगे मुझे ना ओनर से मिला दो, कभी बोला है आपने ओनर से मिला दो, मैं देखना चाहता हूँ, आज मैं आया हूं ना मैं कालू टिक्की खाने, मुझे ओनर से देखना है कौन सा ओनर है जिसने मैं कालू टिक्की की इन्वेंशन करी। मैं ना यहाँ पे आया हूँ आज KFC खाने आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन है यहाँ का ओनर जिसने, जो इसने इतना ये रेस्टोरेंट बनाया, जिसका ये कंसेप्ट था, एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोला आपने कभी? नहीं, इतना दिमाग ही नहीं लगाते। आपको क्या चाहिए था? खाना। क्या करने गए थे? पेट में चूहा कूद रहे थे, बोले लाओ 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 कुछ लाओ हमारे को लाओ। आपने जल्दी से ऑर्डर किया, अंदर गए, गार्ड ने वेलकम किया, वेटर ने वेलकम किया, ऑर्डर दिया, खाया, पैसे दिए, हो गया। मैनेजर से ज्यादा से मिल लोगे, बोलेगा थैंक यू सर। अब नेक्स्ट कैसा रहा, रेटिंग दे दीजिए ऐप में जाके, या यहाँ पे रेटिंग लिख दीजिए एक रजिस्टर के अंदर, ये एक बेसिक कंसेप्ट चलता है। तो क्या आप ओनर से मिले? आप गए थे अपनी संतुष्टि के लिए, उस संतुष्टि के लिए आपने कुछ पे किया, पैसा आपका लगा, फ्री में कोई खिलाया आपको रेस्टोरेंट में बैठ के? एक बताओ कोई भक्त जिनके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हुआ हो, बोले प्रभु जी आज फ्री में बैठ के खाया। एक भी नहीं मिलेगा आपको, फ्री में कोई नहीं खिलाता, आपने उसके लिए पे किया, प्राइस पे किया, तब आपको खाना मिला। तो खाना जो आपने खाया फिर वो स्टूल में निकाल दिया, ओनर तब भी नहीं मिले, अगले 10 साल तक भी कर लो ओनर नहीं मिलेंगे। तो हमने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य किया, तो इंद्र तृप्ति की कार्य करने के लिए जब भी हम कुछ मांगते हैं भगवान मिलते ही नहीं है। भगवान कहते हैं वो भूख नहीं, आप रेस्टोरेंट में गए हो भूख के लिए, ओनर से मिलने गए थे, ओनर से मिलना भी चाहोगे तो नहीं मिलेंगे इतना इजीली, थोड़ा ना ऐसी थोड़ा ना आपको दर्शन दे देगा ओनर आके, आइए 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 प्रभु जी आ रहे, माता जी आप बड़े टाइम के बाद दिख रहे हैं, आइए मैं यहाँ का हूँ, कोई नहीं मिलेगा हम लोगों से। जनरली हमें यही मिलते हैं कि हमारे को भूख की इच्छा थी, हमने पैसा दिया और मिला। सेम देवताओं के लिए हम कुछ ना कुछ यज्ञ करते हैं, यज्ञ का भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु। उस यज्ञ के फल को भगवान, उन्हीं के यज्ञ फल को देवताओं के लिए दे दिए जाते हैं, और देवता प्रसन्न हो जाते हैं यज्ञों से, तो हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। बोलो वत्स क्या चाहिए? फिर आप बोलोगे एक गाड़ी, एक बंगला, तो है सावन के 4 सोमवार, चतुर्मास के 16 सोमवार, ये कर डालूं वो कर डालूं, मेरे साथ ये हो जाए, बच्ची हो जाए, लड़का हो जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, पूरी लिस्ट बना दी। कहेंगे इतना तुमने पैसा भी, प्राइस भी नहीं पे किया, एक चीज बोलो, जितना आपने यज्ञ किया उतना ही मिलेगा। तो फिर आपकी क्या हो गया, चल एक काम करते हैं, ये वाला दिला दो, ये वाला मकान मिल जाए, 2 BHK का फ्लैट यहाँ पे सी साइड को मिल जाए, अच्छे से सी व्यू हो, सी व्यू देखूंगा, इतनी इच्छा होगी देवता पूरी कर देंगे, और लोग उससे खुश हो जाते हैं पेट में।
चूहे दौड़ने लगते हैं। तो ये देवताओं के लिए यज्ञ था। ये यज्ञ किसके लिए था? देवताओं के लिए। एक यज्ञ होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। आप देखो जो यज्ञ करते हैं उसमें आहुति डाली जाती है, घी डाला जाता है। अब आप घी में देखो, अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई, अगर आपने उसको भी सुना हो। देखो आप न्यूज चैनल मत चलाओ, यूट्यूब तो आपके फोन में है। कोई बोले बिल्कुल दूर होना रहना चाहिए, न्यूज से रहना चाहिए, पर कई बारी उसमें ट्रुथ भी मिल जाता है। अगर आपको देखते हो स्क्रॉल करते हो, ट्रुथ भी मिल जाता है स्क्रॉल करते हुए। तो अभी रिसेंटली एक कंपनी है बहुत फेमस, जिसका हो सकता है हम रोज दूध भी पीते हो, पैकेट्स का दूध, तो उनकी कंपनी के नकली घी निकले। अब वो नकली घी कैसे बन रहे? उन्होंने खुद बताया है, टेस्ट करके, लेबोरेटरी टेस्ट करके पता चला है कि वो जानवरों की हड्डियों से बना है। अब आप बताओ, आप जिस घी को जोत बना रहे हो, भगवान की जोत बना के, ओम जय जगदीश हरे, या हम वो नहीं गाते तो हम क्या बोलेंगे? नमस्ते नरसिंहाया, और हम गा रहे, और वो है क्या? जानवर की हड्डी का बना हुआ घी। अब आप देखो घी में नहीं है प्योरिटी, नहीं है घी के अंदर, आप हवन कहाँ से करोगे? बड़े बड़े यज्ञ कहाँ से करोगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए? कितनी बुरी स्थिति है आजकल। अब आप देखो, ये तो हो गया एक बात, ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी कंपनीज हैं, क्या आप बंद करा सकते हो? नहीं। कलयुग में एक यज्ञ बताया गया, वो है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में कुछ भी नहीं, आपको पे करना है कुछ प्राइस? नहीं। लोगों को बुलाना है? नहीं। अगर आ गए ठीक है, नहीं आए तो आप खुद कर सकते हो, करताल लेके, मृदंग लेके, नहीं तो अपना चैंटिंग, ये भी तो यज्ञ है, जप यज्ञ। तो कलयुग में आपको कुछ स्पेशल के इतनी बड़ी अरेंजमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं है। पैसा नहीं है चलेगा, भगवान कह रहे कोई बात नहीं, नो इश्यू, है ना? चाहे उसके पास जो मर्जी हो ना हो, भगवान कह रहे टेक दिस हरि नाम और चैंट करो, एंड चैंट हरि, डोंट वरी, इस तरह से भगवान कह रहे। फिर भी हम इस यज्ञ को नहीं अपना पा रहे। देखो इसलिए कई तरह के यज्ञ बताए गए मटीरियल लाइफ में, जो यज्ञ होते हैं जो हम करते हैं, लोगों को भी करते हुए देखते हैं। बाकी आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, 26 नंबर, हनुमान प्रजापति प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, श्रोत्रा अदिनी श्रोत्रा दिनेन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादि विनय शब्दादि विषय नान्य इंद्रियाणि इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। जी प्रभु जी, इनमें से इसका कुछ हाँ इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणा आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। तो इसका हम दोबारा से मैं श्लोक को पढ़ता हूं एक बार। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयमे अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इसका अनुवाद है, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इसको समझेंगे, ये यहाँ पे दो लोगों के बारे में, दो आश्रम के बारे में बताया गया है, एक ब्रह्मचारी एक गृहस्थ। इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस बताए गए हैं कि क्या डिफरेंसेस होता है। एक ब्रह्मचारी देखो लाइफ में क्या क्या चीजों का पालन करता है। सबसे पहला उसका क्या नियम है जिसकी वजह से उसको ब्रह्मचारी बोला जाता है? पर स्त्री संग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भक्ति तो आप भी कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, प्रसाद आप भी पा रहे हो वो भी पा रहे हैं। हाँ मंदिर के एनवायरमेंट में हम आज के समय में नहीं रह रहे, पर कई गृहस्थ रहते भी हैं। आप ये तो नहीं बोल सकते सारे गृहस्थ नहीं रहते मंदिर के एनवायरमेंट, तो घर हम भी कहीं ना कहीं मंदिर में रह रहे। प्रभुपाद के टाइम पे तो गृहस्थ भी मंदिर में रहते थे। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ब्रह्मचारी स्त्री संग नहीं कर सकता, गृहस्थ को छूट होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़, दोबारा आपको रीड कराता हूं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं, यानी कि श्रवण जैसी क्रियाएं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे पढ़ेंगे इसके ट्रांसलेशन में।
मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नाम अनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। ये यहाँ पे बताया गया ब्रह्मचारी के बारे में, श्रवण और कीर्तन में। और कई बार आप देखेंगे ऐसा हो जाता है, आप कहोगे क्या ब्रह्मचारी का फॉल डाउन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, किसी भी आश्रम वाले का फॉल डाउन हो सकता है। ब्रह्मचारी की जो लाइफ होती है सच में टफ होती है, हर कोई नहीं फॉलो कर सकता। अगर आप देखो ब्रह्मचारी फॉलो हमें करना चाहिए आइडियली अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर। वैदिक स्क्रिप्चर, वैदिक शास्त्र ये बोलते हैं एक लड़के को कैसा रहना चाहिए, पहले उसको ब्रह्मचारी आश्रम में यानी स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ गुरु के निर्देशन में सीखना चाहिए, फिर उसको गृहस्थ में आना चाहिए, फिर वानप्रस्थ होना जाना चाहिए, फिर संन्यास। तो इंद्रियों की छूट केवल गृहस्थ लाइफ में है। ब्रह्मचारी लाइफ में आप ऐसा नहीं है स्त्री संग करो। वानप्रस्थ लाइफ में क्या होता है कि जिस गृहस्थ जो हमारी वाइफ होती हैं उनके साथ हम वन को चले जाते हैं। वन को क्यों जाते हैं? क्योंकि वन के बारे में बताया गया, वन में व्यक्ति की जाता है तपस्या करने, शांति के लिए जाता है वन में। और वन का एनवायरमेंट कैसा होता है? सतोगुण, तीन तरह के एनवायरमेंट बताए गए, आपको लिखना चाहिए अपने पास। तमोगुण एनवायरमेंट कहाँ पे होता है? बार्स और क्लब्स के अंदर, जहां पे आप देख रहे हो मूवी हॉल, ये सब तमोगुण एनवायरमेंट है। मूवी हॉल, बार, क्लब्स, और आप देख रहे हो जहाँ सट्टे के गेम चल रहे हैं, बैटिंग चल रही है। आजकल तो घर बैठे भी बोल रहे हैं बैटिंग करो, एक बॉल पे इतना, छक्के पे इतना, आपको ऐप दी जा रही है, लीगली ऐप दी जा रही है, खेलो लीगल बैट खेलो, आजकल ये वाला गेम चल रहा है। तो ये पूरी तरह से क्या है? तमोगुण। रजोगुणी लोग होते हैं वो शहरों में रहते हैं। थोड़ा हार्ड है, सुनने में अजीब लगेगा, प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं कि रजोगुणी लोग शहरों में रहते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं वो रजोगुण है, एनवायरनमेंट नहीं है, इच्छा हमारी करती है। जो व्यक्ति गांव में रहता है क्या उसकी इच्छाएं होती है हमारी जितनी? आजकल बनने लग गई है, क्योंकि गांव भी अब कम नहीं रहा, गांव में भी अब DLF है गांव में भी बड़ी सोसाइटीज है, अब इच्छा बन गई है। मगर आमतौर पर आप किसी बहुत विलेज एरिया में चले जाओ, MP के एरिया में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो बहुत ज्यादा वैसे एकदम घने फॉरेस्ट से वो है, उनकी क्या इच्छा है? हमारी तरह थोड़ा ना उनकी इच्छा है, जिनके पास फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गांव के जो एनवायरनमेंट होता है इन जनरल सतोगुण होता है, पर आजकल भी वो रजोगुण होने लग गया। शहरी माहौल, तो शहरी माहौल होता है रजोगुण, और वन का माहौल जहाँ पशु रहते हैं वहां का माहौल कैसा होता है? सतोगुण। जबकि वहां पशु रहते हैं फिर भी क्या बोला प्रभुपाद जी ने? सतोगुण एनवायरनमेंट। वन के एनवायरनमेंट में कोई ऐसा नहीं होता, वहां की गुरु और शिष्य अपने गुरु और शिष्य घूम रहे हैं, इधर से बाघ आया और ले गया एक शिष्य को, फिर वापस आके गुरु जी को बोला कहाँ गया हमारा बेटा, बोले बाघ ले गया उसको, हम वन में घूम रहे थे। ऐसा नहीं होता। तो वो संरक्षण में, गुरु के संरक्षण में, गुरु को प्रोटेक्शन में रखना है, ऐसे नहीं छोड़ दिया आज इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया, प्रोटेक्शन में। गुरु केयर करेगा उनकी जब वो वन के सतोगुणी एनवायरमेंट में रहेंगे। ये एक वैदिक प्रथा थी। सेम जब वानप्रस्थ आश्रम आता था तो पति और पत्नी वन को चले जाते थे, वहां पे और बच्चे नहीं करते थे कि दो, एक हो गए है ना बबलू और पिंकी हो गए, अब नेक्स्ट करेंगे, ऐसा नहीं करते थे। तो वन को जाते थे, अब वो वहां पे इंद्रियों को कंट्रोल करते थे, क्योंकि सतोगुण एनवायरमेंट में तपस्या होती है। फिर वो आते थे संन्यास आश्रम में, संन्यास आश्रम में पति वाइफ को कहते थे कि जाओ अब तुम घर में चली जाओ। तो वुमेन के लिए यानी माता जी या छोटी लड़कियों के लिए क्या होता था कि पहले वो पेरेंट्स के लिए अंडर में रहे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी तो नहीं बन सकती। दूसरा, पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के बाद जब शादी हो जाए तो पति की प्रोटेक्शन में रहे। वानप्रस्थ लाइफ तक गृहस्थ और वानप्रस्थ में वो पति की प्रोटेक्शन में रहेगी, और जैसे ही अगर पति संन्यास ले ले तो वापस पत्नी आ जाएगी और फिर अपने घर वाले अपने बच्चों को सिखाएगी, जो भी वो वानप्रस्थ लाइफ से सीख के आई है अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस अपने बच्चों को सिखाएगी और उनको इसके लिए प्रेरित करेगी। तो तीन आश्रम में इंद्रिय तृप्ति की छूट नहीं है, केवल गृहस्थ लाइफ में छूट है इंद्रिय तृप्ति की, ब्रह्मचारी में नहीं है। अगर ब्रह्मचारी की ऐसा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे एक ट्रेन जा रही है, एक पैर आपने बाहर कर दिया ऐसे करके, ठीक है, और वो ट्रेन कैसी होती है? शताब्दी एक्सप्रेस। एक पैर आपने यूं हल्का सा यूं करके बाहर निकाल दिया, बचेगा व्यक्ति, कट जाएगा पूरी तरह से,
अगर जरा भी बाहर हो गया ट्रेन के, और एक ट्रेन है टॉय ट्रेन क्योंकि वही धीरे चलती है, या जनरल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इधर रुक रही है, रुक गई कहीं जंगल में, रुकी है 4 घंटे तक, पता ही नहीं चल रहा उसको, सिग्नल ही नहीं दे रहे पैसेंजर ट्रेन को, जनरल ट्रेन, तो जनरल ट्रेन स्लो स्लो चलती है, इसलिए आपको लगेगा कि गृहस्थ लाइफ तो बड़ी स्लो है, भक्ति में ब्रह्मचारी तो बड़ा भाग रहे हैं, मगर उसका एक पैर भी अगर डाइवर्ट हो गया, उसकी भक्ति समाप्त, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे दोबारा से। मगर गृहस्थ की लाइफ में क्या होता है, उसको हम एक्सेप्ट कर जाते हैं, थोड़ी गड़बड़ कर देगा, कहेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 2 साल से मंदिर नहीं आए, प्रभु जी हैं बहुत अच्छे हैं बेचारे, माता जी हैं कोई बात नहीं, बिजी हो गई होंगी, जॉब है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 साल मंदिर नहीं आई कोई बात नहीं, 11वें साल आ जाना, दोबारा पकड़ लेता है। ब्रह्मचारी दोबारा पकड़ेगा भी तो उसको कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए आश्रम कोई गलत नहीं है, मगर वो स्पीड बहुत तेज है, इधर स्पीड स्लो है। मगर कई बार क्या होता है, जैसे आपने स्टोरीज में भी सुना होगा, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, एक रैबिट है और एक टोटवाइज है, ऐसे ऐसे टोटवाइज ऐसे ऐसे ऐसा रहा है और रैबिट भाग रहा है ऐसे ऐसे करके, तो कई बार वो रैबिट यहीं रह जाता है और टोटवाइज निकल जाता है। इसलिए आप ये मत सोचे कि गृहस्थ व्यक्ति छोटा होता है, कोई छोटा नहीं होता, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, गृहस्थ व्यक्ति छोटा नहीं होता, वो भक्ति में पूरी तरह से आगे बढ़ सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ रहते हुए कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, कर सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं आज के समय में कोई वन नहीं जा सकता तो वो मंदिर में सेवा कर सकता है, क्योंकि मंदिर जो होता है भगवान का घर कहलाता है, वन में क्यों जा रहे हैं, भगवान की खोज करने, तो भगवान तो मंदिरों में भी है, मंदिर में मिल तो गए आपको, आप तपस्या क्यों कर रहे हो इतनी तपस्या, कि मेरी इंद्रियां कंट्रोल हो जाए और इंद्रियां कंट्रोल हो गए मेरे मन में भगवान का स्मरण हो, तो जब आप भगवान की हाथों से पैरों से सेवा करोगे, मंदिर में चल के जाओगे सेवा करोगे, तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां सेवो भगवान की सेवा में लग गई, कंट्रोल हो जाती, इसलिए ये बताया गया है यहाँ पे, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हम जैसे यज्ञों के बारे में बात कर रहे थे, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 26 नंबर श्लोक में, जो ब्रह्मचारी होता है श्रवण करता है भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा, ब्रह्मचारी का गुण है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ में डिफरेंस ही क्या बचा, एक ब्रह्मचारी बोल रहा है मैं रोज का 1 घंटा रीड करता हूँ, और एक गृहस्थ भी बोल रहा है रोज 1 घंटा रीड करता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या बचा, ब्रह्मचारी को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर यहाँ गृहस्थ एक बोल रहा है तो इसको दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वहां पे उनको छूट नहीं है, तो श्रवण आदि क्रियाओं में उन्हें ज्यादा रहना पड़ेगा। इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, इंद्रियों को मन की अग्नि में, यानी इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, मन के अंदर ही उन डिजायर्स को खत्म करना पड़ता है, समझे आप इसका मतलब क्या है। पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया एक ब्रह्मचारी गृहस्थ का बेसिक, फिर मैंने चार आश्रम में केवल गृहस्थ में इंद्रियों इंद्रिय भोग का वो है, यानी स्त्री संग कर सकते हैं, बाकी 3 आश्रम में नहीं कर सकते, वन का पर्पस बताया और मंदिर का पर्पस बताया। अब इस श्लोक का मीनिंग एक्चुअली आप समझेंगे, श्रवण आदि क्रियाओं तथा मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मन की अग्नि में स्वाहा करने का मतलब क्या है, जो हमारी डिजायर्स हैं वो इंद्रियों से नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, गृहस्थ जो है हग कर सकता है नहीं कर सकता, आ जा मेरे गले लग जा, मगर ब्रह्मचारी को तो लोग देखेंगे ओ किसके गले लग गया ये, देखेंगे नहीं देखेंगे। अगर आप मान लो आप अपने दोस्त के साथ भी गए हो, चलो माता जी प्रभु जी तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, बहुत बड़ी, अगर आप अपने दोस्त के साथ मंदिर गए हो, आपका दोस्त है बिल्कुल यहाँ से लाल उसके होंठ हो रखे हैं, ऐसे कर रहा है ऐसे करके अपने लाल अंदर खींच रहा है, ऐसे करके खींच रहा है, आप उसके साथ गए, बोले आ जा यार, या ऑफिस कलीग है तुम्हारे को मंदिर घुमा के लाओ, आ जा चल मंदिर घूम के आए भाई, आ जा, और वो आपको उसको मंदिर घुमा के लेके आए, वो कहेगा अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ भूल गया मुझे भूल गया, इन जनरल लड़कों के साथ ऐसे ही होता है, जमच पाएंगे प्रभु जी, या मान लो कोई माता जी है जो अभी आई है उनको पता नहीं है, वो बोलेंगे मैं तो यहाँ पे स्कर्ट ही पहनती हूँ ना, मुझे तो पता नहीं था मंदिर में ऐसे होना, पता है ओ वेरी ओल्ड फैशन ऐसा होता है, नहीं होता, माता जी बोलती है वेरी ओल्ड फैशन, तो उनको भी नहीं पता, तो अगर वो गले लग जाएगा, एक ब्रह्मचारी एक माता माता को गले लग जाएगी, सेम जेंडर में भी गले लग जाएंगी, तो लोग उनको कहेंगे ठीक है भक्त है, माता जी एक साड़ी में है उनको है गले लग रही है, क्या पता उनके घर में हो उनकी नोन हो रिलेटिव हो चलेगा, मगर अगर एक ब्रह्मचारी एक प्रभु जी हैं और वो थोड़े मतलब भौतिकवादी दिख रहे हैं, उनके मुंह से लाल टपक रहा है ऐसे ऐसे, और ब्रह्मचारी ने हक कर लिया आप मेरे साथ हैं आइए आइए आइए, आप उनको देखोगे 10 बार देखोगे कि उन्होंने क्या किया, इसलिए ऑरेंज कपड़े में व्यक्ति ज्यादा नोटिस होता है, बहुत सख्त रहना पड़ता है, इसलिए जो भी उनकी इच्छाएं होती है वो मन के अंदर मारनी पड़ेगी, हो सकता है इच्छाएं हो मन की ऐसी कि
स्त्री संग मुझे भी मिल जाता। मेरा दोस्त देखो, वो भी भक्ति में निकल गया, उसने शादी कर ली, कितने सुंदर उसके बच्चे हैं, पिंकी और बबलू, और मेरे देखो एक भी नहीं हो पाया, ऐसी में रह गया, यहीं का यहीं रह गया। तो उसको अपने मन की अग्नि में ही सारी इच्छाओं को स्वाहा करना पड़ेगा। इंद्रियों से ना वो हक कर सकता हाथ से, ना वो कुछ स्वाद ले सकता है। ऐसा गृहस्थ व्यक्ति क्या है, घर में बैठो आराम से, अपना एसी चलाओ, मस्त हो जाओ, ऐसे करके लेट जाओ। ब्रह्मचारी लेट सकता है ऐसे करके? ब्रह्मचारी आश्रम में कोई ऐसे लेटा हो ब्रह्मचारी मिलेगा, आप क्या बोलोगे? माया में है, माया में है, माया ने जकड़ लिया इसे। और वहीं कोई प्रभु जी दिख जाए, ऐसे करके लेटे हुए हैं, इधर बच्चे लेटे हुए हैं, इधर वाइफ लेटी है, कोई भी लेटा है फैमिली, अरे कोई बात नहीं, गृहस्थ है। तो उनके लिए इंद्रियों की जितनी इच्छाएं हैं उनको मन में ही स्वाहा करनी होगी। अब गृहस्थ के लिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग यानी नियमित गृहस्थ, ये उनके लिए नहीं है जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। नियमित यानी कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल में रहने वाले गृहस्थ हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। अब इंद्रियों के विषय क्या है, नाक का काम है गंध, हाथ का काम है स्पर्श, और इस तरह के अलग अलग है, कान का काम है श्रवण, और जीभ का काम है स्वाद, इस तरह से अलग अलग इंद्रिय और उसके विषय हैं। तो अगर आपको जीभ का स्वाद लेना होगा, अगर मान लीजिए किसी को जीभ का स्वाद चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए वो क्या करेगा, जीभ के स्वाद के लिए खा लेगा। अगर एक ब्रह्मचारी ऑरेंज कपड़ों में आपको ऐसे करके गोविंदास का खाते हुए दिख रहा है, ऐसे करके बर्गर, और उसमें से थोड़ा सा यूं ऐसे करके, क्या कहते हैं, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा, पर मैं एक जनरल सेंस बता रहा हूँ, आपने उनको नोटिस किया और उनके हल्का सा ऐसे करके चटनी गिर रही है या ऐसा कुछ गिर रहा है, ब्रह्मचारी है ये, तो ये क्या है, ब्रह्मचारी है ये, कंट्रोल्ड होना चाहिए इन्हें। अगर ब्रह्मचारी, मैं कह रहा हूं, अगर आप ब्रह्मचारी को मंदिर के गोविंदास में बैठ के ऐसे कहना, ऐसे बैठा है और उन्होंने मोमोज खा लिया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे हम पैसा देते रहे, हम मंदिर के पैसा दे रहे हैं, और यहाँ देखो ये मोमोज खा रहे हैं हमारे पैसों का है या नहीं? मगर हम बैठे गृहस्थ हैं, आप अपनी फैमिली को लेके जाओ हरि बोल और ऐसे ऐसे खाओ, कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो आपको कंट्रोल ईटिंग करवाई, कंट्रोल ईटिंग का मतलब है आए आप मंदिर में, क्योंकि नियमित गृहस्थ हो, कंट्रोल्ड हो। प्रभुपाद जी ने कहा लो पिज्जा बर्गर खाओ, मगर ब्रह्मचारी पिज्जा बर्गर खाएगा ब्रह्मचारी आश्रम में, आपका दिमाग खराब होगा। गृहस्थ व्यक्ति है बोलेगा कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे ठीक है, इनके लिए पिज्जा बनाओ, पिज्जा भोग लगाओ और पाओ, लो खाओ तुम पिज्जा खाओ, तुम्हें खानी है क्या, और क्या खानी है तुम्हें, बर्गर खाना है लो बर्गर खाओ, और क्या खाना है तुम्हें, और पास्ता खाना है लो पास्ता खाओ, मगर ब्रह्मचारी को नहीं। इंद्रिय कंट्रोल्ड, अब गृहस्थ के लिए उसके लिए नहीं बोला भौतिकवादी गृहस्थ, ये उसके लिए बोला जो कंट्रोल्ड गृहस्थ है, इंद्रिय का वो तो कर रहा है मगर कंट्रोल में, इन कंट्रोल तो नहीं कर सकता। बच्चा भी पैदा करेगा तो कैसे करेगा कि भक्त संतान हो, कहीं ऐसा ना हो कल को बच्चे बोले अरे प्रभु जी भक्त हैं, माता जी भक्त हैं, इनकी संतान देखो गाली गलौज करती है। तो कंट्रोल तो गृहस्थ को भी रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्रभु जी सामने तो आए कुर्ते में एकदम टिच बन के बोले अरे प्रभु जी को देखो क्या लगते हैं ना कितने स्मार्ट, माता जी देखो क्या लगती है ना, और बच्चा आ रहा है गाली दे रहा है, तू तड़ाक कर रहा है, बताऊं तेरे को शिखा खींच दूंगा तेरी देखे आपने बच्चे देखे हैं को, उनके माता पिता एकदम वैसे होते हैं बेचारे, शांत से होते हैं, बच्चा आता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि उठ तोड़ ही डालेगा मंदिर को, आज ही पहली बार आया बस तोड़ तोड़ फोड़ मचा दूं मंदिर के अंदर, आज ही आज ऐसा लगेगा, बस आज ही हिरण्यकश्यप आ गया मंदिर के अंदर, ऐसा लगेगा उनको देख के। तो ऐसा होता है, मगर गृहस्थ को छूट है ना, कंट्रोल्ड है बेचारा, भगवान भी कहते कोई बात चल कोई बात, मगर कैसा है संतान कर रहा है तो देख के। अब जैसे ये सारी बातें आती है तो ये हुआ, इसलिए क्या है मैं यहाँ पे बोला गया है गृहस्थ के बारे में, सो वापस श्लोक पे चलते हैं 4.26। बस हम चार श्लोक और करेंगे फिर हम एंड करेंगे, थोड़े से ही हैं शॉर्ट में। 4.26 में आता है नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, स्वाहा तो इन्हें भी करना पड़ता है, भगवान को समर्पित तो इन्हें भी करनी पड़ती है। इंद्रियों को स्वाहा करने का, स्वाहा किसमें किया जाता है, यज्ञ में, और यज्ञ कौन है, भगवान विष्णु, तो अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं गृहस्थ। और जो ब्रह्मचारी होता है वो मन के अंदर ही मार डालता है,
और भगवान इंद्रियों भगवान जो है ग्रस्तों को छूट देते हैं, चल कोई बात नहीं थोड़ा सा कर ले, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है सब भक्तों को? टफ तो नहीं लग रहा कि कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं हम? ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ अलग प्लेनेट की बातें हो रही हैं, जो यूरेनस प्लूटो की बातें चल रही हैं, मार्स वगैरह की? वो है तो नहीं मार्शियन हमारे बीच में? ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा श्लोक यहाँ पे भगवान ने बताया। तो देखो श्लोक कितना छोटा सा है, मगर डिफरेंसेस अगर आप इसको गहराई से पढ़ोगे तो बहुत कुछ है श्लोक के अंदर। नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे, 27 नंबर, इसको पढ़ेंगे अंजू माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वाणिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्मणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे थैंक यू माता जी। तो कृष्ण जी। ये था 37 नंबर श्लोक। ये उनके लिए किसके लिए बात करी है? यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पंक्ति का निर्देश है। पतंजलि ने कौन सा योग दिया? अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि। तो दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो मन को भी वश में करना चाहते हैं और इंद्रियों को भी, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। सारी इंद्रियों को और प्राण वायु जो हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से एक वायु होती है प्राण वायु, जिसकी वजह से लाइफ चलती है हमारी, इस तरह से कंट्रोल्ड मन इस तरह से करके अपनी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है पतंजलि के बारे में। तो इन्होंने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग में एट एट पार्ट्स ऑफ योगा है। सबसे पहला आता है अष्टांग योग में यम, यानी कि कंट्रोलिंग द सेंसेस, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो अष्टांग योग आप सबको सुनना चाहिए कि क्या है ये पार्क वाला योगा, और एक्चुअली जो आप देख रहे हैं ऐसे करके लोग ऐसे आ रहे हैं और ऐसे झुक जा रहे हैं, असली योग है क्या? पहला है यम, यम यानी कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। दूसरा आता है नियम अष्टांग योग के अंदर, कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे, जैसे इस्कॉन में चार नियम है वैसे ही इनको पालन करता है, जो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे जो अष्टांग योग का पालन करता है। तीसरा यहाँ पे आता है अष्टांग योग के अंदर आसन, यम नियम आसन। आसन तो आप सब जानते हैं, जो पार्कों में लोग भर भर के कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का पूरा फेसबुक इंस्टाग्राम और सारे के सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, तो पूरा का पूरा वो सिर्फ इसी आसन को पकड़ते हैं और कुछ नहीं पकड़ते, अलग अलग पोस्चर्स को जिसमें बॉडी के होते हैं। चौथा आता है प्राणायाम। प्राणायाम में आप जाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये प्राणायाम है। और आप क्या कहते हैं उसे, कपाल भारती, कपाल भाती, कपाल भारती जो भी कहते हैं, इस तरह से आप जानते हैं ये क्या आता है, ये प्राणायाम में आता है। तो प्राणायाम ये सब चीजें क्यों करी जा रही हैं? इसका पर्पज है अपने बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करना, मन और इंद्रियों को वश में करना, जो हमारा होता नहीं है। मन तो बिल्कुल नहीं होता है, इंद्रियां भी नहीं होती, तो ये इसका पर्पज है। चौथा है प्रत्याहार, पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार है इंद्रियों को इंद्रिय भोग करने से रोकना, कंट्रोलिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को इंद्रिय भोग करने से रोकना। मेरा इंद्रियों का मन है आंखों का कुछ गंदा देख लूं, देख लेता हूँ बड़ी सुंदर लग रही है लड़की, इससे रोकना है। अष्टांग योग में भी ये नहीं है कि आप सोच रहे हो वहां पे गई हैं, आप सोच रहे हो कि वहां पे बैठ के हम देख रहे हैं कितने अच्छे से, कितनी अच्छी योगा एक्सपर्ट है ना जो हमें सिखाने आई है, कितनी सुंदर है, सुशील है, वो क्या प्रत्याहार रह गए बताओ उनका, और उनका इंद्रिय भोग करने का मन करता है, वो भी जो सिखा रहा है अपने टीचर के साथ। और छठा आता है धारणा। धारणा आता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एकाग्रता, कंसंट्रेटेड होना चाहिए व्यक्ति को। कंसंट्रेशन में बताओ कितने लोग कर रहे हैं, बहुत कम होते हैं। सातवां आता है ध्यान। ध्यान हमें करना है, फोकस करना है, किस पे ध्यान करना है, अपने पे नहीं, माता जी पे नहीं, माता जी को प्रभु जी पे नहीं, ध्यान करना है भगवान का। अष्टांग योग पद्धति में भी ये भगवान की प्राप्ति के लिए बताया गया।
देखा जाए तो अष्टांग योग पत्ती किसके अंदर आती है? अष्टांग योग जो है ये आता है ध्यान योग के अंदर। अगर टोटली एक देखा जाए, अष्टांग योग को अगर देखा जाए, पार्ट ऑफ ध्यान योग है ये, तो सातवां है ध्यान योग और आठवां आता है समाधि, यानी कि अपना गड्ढा गांधो और उसमें चले जाओ। ये है समाधि का मतलब। समाधि का मतलब है कि मन पूरी तरह से अब भगवान में लग गया, अब मन विचलित नहीं होगा, यानी ट्रेंस। ये वो वाला ट्रेंस नहीं है, बम 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 वो वाला नहीं है, वो जो गाने चलते हैं बम 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 वो वाले ट्रेंस जो चलते हैं, डुजुम 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 वो वाले ट्रेंस नहीं। ट्रेंस का मतलब ऐसी स्थिति कि अब मन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गाली दो कोई बात नहीं चलेगा, मैं सह जाऊंगा, मेरे बारे में कोई भला बुरा बोले सह जाऊंगा, कोई मुझे चिढ़ता हो सह जाऊंगा, इसे कहते हैं समाधि अवस्था। तो ये आठ है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आठ स्टेज है अष्टांग योग की। अब बताओ जिनको हम पार्क में देख रहे हैं उन्होंने कितनी चीजों का स्वाहा किया? कोई चीज का उन्होंने स्वाहा नहीं किया, कोई चीज उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाई, इसलिए लोग परेशान है, कुछ भी कोई किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम देखें, बस अभी हम तीन श्लोक और करेंगे शॉर्ट में, मैं बताऊंगा इनके बाद, तो कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा इसलिए लोग परेशान है। तो अष्टांग योग को फॉलो करना कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है, आप कर सकते हो कि ये सारी चीजें आठों को फॉलो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इनको फॉलो ना करो, डायरेक्ट अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो डायरेक्ट सेवा का लगाने का मतलब क्या है? पैर चल के मंदिर जाओ, हाथ से भगवान की सेवा करो, भगवान की ड्रेस पहनाओ, उससे ड्रेस सीलो, भगवान का मंदिर साफ करो, मुंह से भगवान के बारे में बोलो, चैंटिंग करो, कीर्तन करो, कानों से भगवान का भजन सुनो, अपनी चैंटिंग को सुनो, मैं बोल क्या लाऊं, ऐसा तो नहीं हरे कृष्णा हरे ऐसे करके बोले प्रभु जी मेरी 5 मिनट में खत्म हो, अरे वाह उसके बाद 1 मिनट में आ जाएगी वो, अरे 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 वाह वाह हो गया हो गया, बहुत हो गया हरे कृष्णा। सुनो कि हम बोल क्या रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल था क्या? आपकी पूरी भक्ति इस पर डिपेंड करती है कि आपने क्या मंत्र बोला और क्या सुना। सबसे पहला है क्या सुना। अगर आप और कैसे लगाओगे, आंखों से भगवान के दर्शन करो, नाक से भगवान के फ्लावर्स होते हैं जो ऑफर्ड फ्लावर्स होते हैं उनको सूंघो। इस तरह से प्रभुपाद जी बैठ के, उनके शिष्य उनको फ्लावर्स देते थे, प्रभुपाद जी ऐसे लेते थे फ्लावर्स को और ऐसे करके बहुत देर तक उसको ऐसे करके स्मेल करते थे उसको बहुत देर तक। हमें मिलता है हमारे पास तो ऐसे कोई लेके आ जाए प्रभु जी, हम ऐसे करेंगे और फिर दूसरे उसके बाद बाहर जाते ही समोसे की खुशबू, ये वाली खुशबू बड़ी अच्छी है, फ्लावर वाली तो कुछ टाइम की, ये यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे आएगी इसकी खुशबू असली। तो हमारी कुछ टाइम की होती है बस। तो ये सारी चीजें जब हम अपने आप को इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं तो अष्टांग योग नहीं भी करोगे चलेगा, ये कलयुग के लिए नहीं है अष्टांग योग। आप इसको एक्सरसाइज के लिए कर सकते हो मगर भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते। मगर आज भी लोग आपको ये फॉलो करते हुए दिखेंगे अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं 28, आज का थर्ड लास्ट, इसको जल्दी से मैं पढ़ता हूं। 28वां नंबर श्लोक है, द्रव्य यज्ञ तपा यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्या संशित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, ऐसे भी यज्ञ होते हैं। कई बार हमने क्या यज्ञ देखे थे, हमें लगता था केवल यज्ञ करना, यज्ञ का मत पर्पस क्या है, भगवान की प्राप्ति करना। ऐसे भी कई यज्ञ होते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सके। एक होता है जिसमें यह बताया जा रहा है कर्म योग के बारे में, अब कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा संपत्ति का त्याग आ गया कर्म योग। आप लिखना चाहिए आपको ये सब, आपको ही काम आएगा ये सब, संपत्ति का त्याग आ गया कर्म योग, कठिन तपस्या आ गया ध्यान योग या अष्टांग योग, ये ध्यान योग आ गया, कुछ अष्टांग योग पत्ती के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इस तरह से कोई लोग दिव्य ज्ञान लेते हैं, यानी कि ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं, यानी कि कर्म योग, ज्ञान ध्यान योग और ज्ञान योग, तीन तरह के योग ऐसे लोग फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे चतुर्मास के बारे में लिखा है, तो सबसे पहले तपस्या के बारे में लिखा है। अन्य लोग, कुछ ऐसे भी आजकल के समय में लोग हैं, सिर्फ भक्त तो नहीं,
ऐसे भी लोग हैं जो चतुर्मास का पालन करते हैं। जीवन में उन्नति करने अथवा ऊंचे लोकों उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान या चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चातुर्मास रखने वाले वर्ष के 4 मास हैं, जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, ना दिन में 2 बार खाता है, 2 बार भी नहीं खाता, और टेस्टी फूड नहीं खाता, निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपना घर छोड़ के नहीं जाता, जीवन के सुखों को ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। इस तरह के भी लोग फॉलो करते हैं। चतुर्मास का नियम जो है, कई कर्मकांड लोग फॉलो करते हैं, बहुत हार्ड होता है। वो अपने बाल नहीं कटाएंगे, अपनी मूछें नहीं कटाएंगे, दाढ़ी नहीं कटाएंगे, नाखून भी ज्यादा नहीं काटेंगे, जो टूट गया ऐसे ही तोड़ लेंगे, पर काटवाएंगे नहीं, ऐसे कट 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 नहीं करेंगे। चतुर्मास के कई बहुत कर क्योंकि वो क्यों करते हैं, ऊंचे लोकों में जाने के लिए। अब आप बोलोगे, हमने कई फोटोज में ऐसा देखा है कि प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाती थी। तो प्रभु जी, इस्कॉन में भी बड़ी दाढ़ी रखने का इसका मतलब फैशन है? आप हमसे झूठ बोलते थे। गौर किशोरदास बाबा जी की दाढ़ी भी बड़ी थी, इसका मतलब दाढ़ी रखने का फैशन है? तीसरा, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जब परंपरा में आते हैं 4th नंबर में, ये भी प्रभु जी दाढ़ी रखते थे, पक्का यहाँ पे फैशन है? इस्कॉन में तो हमें झूठ बोला जा रहा है कि दाढ़ी कटाओ, क्लीन शेव रखना चाहिए, या बिल्कुल लाइट हो, ना के बराबर, वैसे क्लीन शेव हो, जितना क्लीन हो उतना बेटर, ऐसा क्यों बोला गया? ये कंफ्यूजन क्यों, भ्रम क्यों पैदा किया गया? उस समय में जो पालन करते थे आचार्य, वो इतने स्ट्रॉन्ग व्रत करते थे, उनके पास समय ही नहीं होता था। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर जो चले जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा इन सब चीजों के बारे में, फिर वो वही पूछते रहेंगे, उन्होंने तो देखी उनकी दाढ़ी थी, मैं क्यों क्यों नहीं रख पा रहा दाढ़ी। आप सुनो उनके क्या कठोर नियम थे। वो दिन में दो वो जैसे है 2 बार नहीं खाते थे, केवल 1 बार दिन में खाते थे। क्या खाते थे? खिचड़ी। टेस्टी खाना नहीं होता, खिचड़ी खाने में किसको मजा आता है? अगर खिचड़ी इनके साथ होते ना, कई लोग कहावत बना देते, मुहावरा, खिचड़ी के हैं 3 यार, दही पापड़ और अचार। तो ना आपको दही मिलेगी, ना आपको पापड़ मिलेगा, ना आपको अचार मिलेगा, केवल खिचड़ी मिलेगी, कम मिर्च मसाले की, बहुत अच्छी टेस्टी खिचड़ी नहीं होगी। और वो खिचड़ी का आपको क्या करना होगा, उस खिचड़ी का वो लोग क्या करते थे, ऐसे लेते थे और पत्थर पे यूं फेंकते थे, ऐसे करके, भोग लगी हुई खिचड़ी का, अपने को गाय की तरह पीछे ऐसे करके हाथ रखते थे और ऐसे चाट चाट के खाते थे। खा सकते हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो इसलिए कहते थे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, चतुर्मास का कठोर व्रत करते थे। और वो क्या करते थे, दाढ़ी, क्योंकि आप देखो, अगर मैं एक शेव करूं, ठीक है, वन डे आप शेव कर रहे हो, एक शेव करने में मान लो एक प्रभु जी को लगा 5 मिनट। ये क्वेश्चन हर कोई आपसे पूछेगा, इस्कॉन के अंदर ही पूछेगा, आप ही के लोग आपसे पूछेंगे, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, चतुर्मास चल रहा है क्यों नहीं कर रहे। कठोर व्रत करने पे दाढ़ी जो होती है बड़ी होगी, मगर अगर आप दाढ़ी बनाते हो रोज, मान लो 5 मिनट आपको रोज शेविंग का लगता है, बहुत बाल आते हैं, आप कोई फिल्म स्टार हो बहुत बड़े, आपके रोज बाल आते हैं, बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, या आपने कोई ऐसा जो भी है, आप एक दिन शेव करते हो 5 मिनट, महीने का एक दिन का 5 मिनट हुआ तो महीने के कितने हुए, 30 × 5 करो, 150 मिनट हो गए। एक दिन का 5 मिनट हुआ शेविंग करने का, महीने के कितने हुए, 150 मिनट, 150 मिनट्स, और इसी को × 4 कर लो, 4 महीने के बराबर कर लो, 150 मिनट को 4 से करो कितना हो गया, 600 मिनट। एक बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है, यानी 5 मिनट रोज का देते हो तो 4 महीने में आपको 600 मिनट, इतना टाइम लगेगा, 600 मिनट बनते हैं कितना, अरे अब तो बता दो, ये तो बहुत ईजी है, 600 मिनट 60 मिनट 1 घंटे का होता है, 600 मिनट 10 घंटे हो गए, तो आपके 10 घंटे वेस्ट हो गए। तो वो जो आचार्य होते थे, वो शुद्ध भक्त होते थे, वो कहते थे अरे हमारे जीवन का 10 घंटा चला जाएगा चतुर्मास का, चतुर्मास का तो भगवान की भक्ति का कई गुना फल मिलता है, 1000 गुना फल मिलता है, इस 10 घंटे को भी हम नहीं जाने देंगे और जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कठोर व्रत करते थे। मगर प्रभुपाद जी कहते थे हमारे इतनी बस की नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद को पूछा कि आपके समय में कितनी करते थे, प्रभुपाद ने कहा हमारा नियम है हम 64 माला करेंगे। शिष्य बोले 64 माला, इतनी कौन करेगा? प्रभुपाद जी आप क्या दे रहे हो, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है, 64 माला हमसे नहीं होगी, एक दिन के 8 घंटे 16 नहीं हो पा रही, आप कह रहे हो 64 माला। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 16 करो,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ 16 करोड़, 16 भी अंक उन्होंने हिसाब से दिया, उसके पूछे पूरी कैलकुलेशन दी, एक एक नाम पे भगवान, एक एक सांस और एक एक नाम भगवान के उसमें हो, यानी हर सांस में भगवान का नाम हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने 16 माला दी। 16 माला भी अब हमसे नहीं हो रही, 2 घंटे भी नहीं दिए जा रहे, और हम कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा आप ज्यादा दाढ़ी वाड़ी मत बनाओ, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ाने से क्या होता है, जब आप दाढ़ी बढ़ाते हो तो फैशन भी निकलता है, फिर फैशन होता है ना, ऐसे करके यूं रख लेते हैं लड़के एकदम साइड से, ऐसे करके दिखते हैं, ऐसे करके यूं ऐसे करके दाढ़ी दिखती है, और यूं ऐसे करके ऐसे, देखिए आपने दाढ़ी ऐसे करके एकदम, और यूं ऐसे मूछे भी कर लेते हैं फिर ऐसे करके यूं रावण की तरह। तो ये सब चीजें फैशन के लिए प्रभुपाद जी ने मना करी। प्रभुपाद जी ने कहा कलयुग के लोग हैं, कलयुग के चेले हैं, इनके बस की नहीं है, जब 64 से 16 माला पे आ गए, एक चौथाई कर दी, ये दाढ़ी क्या करेंगे, इनके बस की नहीं है, इनको बोलो रेगुलर क्लीन शेव, अपने आप को क्लीन शेव रखो, ज्यादा मत बढ़ने दो दाढ़ी, अगर बढ़ भी जाए तो तुरंत काटो, बाल ज्यादा मत बढ़ने दो। पहले के समय में वो ना बाल कटवाते थे सर के, ना दाढ़ी कटवाते थे, इसलिए बाल भी बढ़ जाते। प्रभुपाद जी ने कहा बाल भी काटो भाई, हेड शेव करो, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना कर दिया कि आप भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते, सफाई नहीं रख सकते खुद के लिए। और क्या आप खाना चाहते हो, चतुर्मास में कैसे खाते थे, खिचड़ी रखते थे और गाय की तरह खाते थे, खा सकते हो चतुर्मास में, हम तो बस ये देखते हैं। अरे पहला महीना है ना श्रावण का, श्रावण के महीने में प्रभुपाद जी ने कहा हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, वाह बाकी तो मैं सब खाऊंगा, क्या हो गया, बाकी तो खा सकते हैं ना, मटर खाओ, गाजर खाओ, भिंडी खाओ, तोरी खाओ, ये थोड़ा ना मना है, हरी सब्जियां मनानी है, हरे पत्ते वाली सब्जी मना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी पुदीना चटनी नहीं बनेगी खाने के साथ, बाकी सब खा लूंगा। ऐसे ही तो ख्याल, हमारे ख्याल ऐसे ही होते हैं, मगर अगर देखा जाए चतुर्मास का पर्पस बहुत डिफरेंट है, इसका पर्पस है हमारी भक्ति ज्यादा से ज्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा करें, 4 माला करते हो 5 करो, 1 करते हो 2 करो, 0 करते हो 1 स्टार्ट कर दो, 1 पेज पढ़ते हो रोज के 2 पढ़ो, 1 घंटा पढ़ते हो 5 मिनट बढ़ा लो, हाँ ठीक है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो, ये चतुर्मास का नियम होना चाहिए, अपने नियम अपने आप बनाओ, अगर लगता है कंसल्ट करना है तो पूछ लेना चाहिए, प्रभु जी मैं क्या ऐसा करूं जो मुझे करना चाहिए। कई लोग प्रण लेते हैं मैं पूरे चतुर्मास में मीठा नहीं खाऊंगा, कई लोग प्रण लेते हैं मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, कई लोग प्रण लेते हैं कि मैं कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, ये हमारे ऊपर है, हमारा नियम क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये भी एक तप है जो लोग अपने लिए करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और कई तप ऐसे होते हैं जो लोग यहाँ पे बताया गया वेदों का अध्ययन करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे बताया, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना भी आसान नहीं है, इस स्वाध्याय कहा गया, मगर इस व्रत को, इसको भी करने के लिए बहुत नियम चाहिए, ज्ञान हर कोई नहीं ले सकता, और इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर कोई ज्ञान योगी बन जाए, केवल ब्रह्म ज्योति तक मिलेगी और अगला जीवन उसको दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे जल्दी से क्विक, अब ये 2 श्लोक कर लेते हैं क्योंकि क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। तो ये है 29 नंबर श्लोक, अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्वा प्राण आयाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेशु जुहवती। भगवान यह कह रहे हैं अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, यानी कि प्राणायाम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो केवल प्राणायाम करते हैं, पूरा अष्टांग योग ना करके केवल सांस को रोकते, वे अपान में प्राण को, इसका मतलब आपको समझना चाहिए, आप लाइफ टाइम कंफ्यूज रहोगे अगर आप जल्दी जाओगे या सुनोगे नहीं, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर सुन के जाए। अपान का यहाँ पे अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश वाली भगवद गीता, तो वहां पे लिखा है अपान में प्राण, अपान में प्राण है इनकमिंग ब्रेथ इनटू आउटगोइंग, इसको मैं आपको इंग्लिश खोल के दिखाता हूँ, चलो आपको वेदा बेस खोलते हैं, आपको ये तब इंग्लिश में थोड़ा बेटर क्लियर होगा, इसलिए कोई कोई श्लोक ऐसे होते हैं जो हमें उसका इंग्लिश भी साथ साथ देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग देखो यज्ञों के बारे में बताया गया है, ऐसे भी यज्ञ हैं, स्टिल अदर्स कुछ ऐसे भी हैं हु आर इंक्लाइंड टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ रिस्ट्रेंट, जो अपने सांसों को रोकते यानी प्राणायाम करते हैं, टू रिमेन इन ट्रेंस समाधि के स्तर पे रहने के लिए,
प्रैक्टिस बाय ऑफरिंग द मूवमेंट ऑफ आउटगोइंग ब्रेड इनटू इनकमिंग, समझे? आउटगोइंग ब्रेड इनटू इनकमिंग यानी बाहर से अंदर की ओर। अपान में प्राण का मतलब है बाहर से अंदर आ लेना सांस को, और प्राण में अपान का मतलब है अंदर से बाहर को छोड़ना। इसको रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते। यानी अपान में प्राण का मतलब है आउटगोइंग ब्रेथ को इनकमिंग, बाहरी सांस को अंदर लेना। प्राणायाम का पर्पस, ये आपको पता है ये क्यों बना? ये सारी चीजें इसलिए बनी, इसका पर्पस है हमारी उम्र बढ़ जाए। उम्र बढ़ाने के लिए सांस को रोका जाता है। जो सांस ज्यादा भागता है ना, आपने देखा होगा कई सारे एथलीट जल्दी क्यों मर जाते हैं? सांस को रोकने की भी प्रक्रिया है। अगर आप ज्यादा इसको यूज करोगे ऐसी चीजों में जो कि भौतिक है टोटली, आपकी जान जल्दी जाएगी। जो जितना, अब ये नहीं कि आप कल से सांस रोक के बैठ गए ऐसे करके, फिर पता चल रहा है दो चार हॉस्पिटल में ऐसे करके लेके जा रहे हैं उसके ऊपर कि प्रभु जी ने सांस रुकवाने को कहा था कि सांस रोकने से उम्र बढ़ती है। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जो सांस की ऐसे प्राणायाम की एक्सरसाइज करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? ऐसे योग का, अपनी उम्र को बढ़ा लेना। ये प्राणायाम करने का पर्पस लोग इसलिए करा करते थे, प्राणायाम अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। आज भी लोग प्राणायाम कर रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं पतंजलि सिस्टम को या अलग अलग सिस्टम्स को, क्यों? अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, लोग उम्र बढ़ाना चाहते हैं। मगर यहाँ पे बताया एक चीज और है, मृत्यु तो निश्चित है। आप कितनी भी उम्र बढ़ा लो मगर मृत्यु निश्चित है, इससे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। और कई ऐसे होते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्त ऐसा होता है कि वो कम खाता है। भक्त कभी मोटा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, तो यहाँ पे पूरे श्वास की प्रक्रिया बताइए ऐसा क्यों होता है। आप इसको एक बारी पढ़ सकते हैं और मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता, अंततः वह भगवत धाम जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जताई है, ये जाती है, इन्होंने इस तरह से लिखा है। कृष्ण प्रसादम जो रोज खाता है, अगर खाता रहेगा तो ऑटोमेटिकली कम खाने की आदत बढ़ जाएगी। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्प आहार अत्यंत लाभप्रद होता है, ये जरूरी है। कम खाना भी जरूरी है, भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है कम खाना। कम का मतलब क्या है? भूखे मर जाओ? नहीं, चार खाते हो तीन खाओ, तीन खाते हो दो खाओ, कुछ ना कुछ कम खाओ, अल्प आहार करना। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को कंट्रोल करना। और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जो रोज प्रसाद पाएगा ऑटोमेटिकली उसकी भूख कम हो जाएगी, मगर हम उल्टा देखते हैं जो रोज प्रसाद पाएगा उसकी भूख और बढ़ जाती है। भक्त को मोटा होने से, भक्त को क्या बोलेंगे, मंदिर का यही खा जाता है लगता है डोनेशन, इसलिए भक्त को पतला होना चाहिए इन जनरल। नेक्स्ट लास्ट श्लोक आज का, इसको जल्दी से हम आज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे दो तीन, बाकी आप पर्सनली पूछ सकते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञविदा यज्ञ शपित कल्मषः यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा यान्ति भ्रम सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी ये सब यज्ञ करने वाले हैं, जो अभी हमने बताया, भौतिक यज्ञ भी होते हैं और आध्यात्मिक यज्ञ भी होते हैं, तो ज्यादातर ये जितने भी आपने पढ़े ये भौतिक थे, इसमें से ज्यादातर ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। देखा आपने, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश को बढ़ते रहते हैं, यानी कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाओगे। पहले कर्मयोगी होगे, कर्मयोगी कैसा होता है, मंदिर आएगा बोलेगा मैं नहीं आ सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मत लगाओ जन्माष्टमी होगी तुम्हारी, मेरे पास है पैसा, मैं तुम्हारे को पैसा दे सकता हूँ।
क्योंकि मुझे पैसा मेरी भगवान की सेवा में लगा लो, तो वो पैसा देगा। तो कर्म योगी इस तरह से करता है, अपने कुछ द्रव्य, अपने किसी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाता है, कुछ ना कुछ जो उसने कमाया है। दूसरा आता है ज्ञान योगी। अब ज्ञान योगी कर्म योगी से ऊपर है। ज्ञान योगी वेदों का अध्ययन करता है और वो क्या मानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अब ये नहीं पता भगवान कौन, मैं एक आत्मा हूं, ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं। ये ज्ञान योगी का लक्ष्य बन जाता है वेद पढ़ के। तीसरा इसके ऊपर आता है, वो होता है ध्यान योगी। वो परमात्मा पे ध्यान लगाता है, मगर कई बार उसका ध्यान परमात्मा पे ना लग के सिद्धियां पाने के लिए होता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने ध्यान लगाया, किस पे लगाया? विष्णु पे। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्मा जी पे, ब्रह्मा जी का मंत्र जाप करता रहा। क्या मांगा? अमर होने का वरदान। अमर हो पाया? नहीं। सिद्धियां चाहता था अलग अलग, आठों प्रकार की उसको सिद्धि भी मिली, रावण को मिली, अलग अलग प्रकार की इनको सिद्धियां मिली। तो क्या ये भगवान के भक्त कहलाए, राक्षस कहलाए? इस तरह से पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, ये तीन योग आते हैं। और इसके ऊपर चौथा आता है, वो होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग में आपको कोई जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना, गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूं, मुझे कंट्रोल करना है, नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग इतना प्रैक्टिकल योगा है, इतना प्रैक्टिकल है कि आपको अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी सब बुद्धि को, सब चीज में, बुद्धि को शास्त्र पढ़ने में लगाओ, मन को भगवान का नाम जपने में, कीर्तन सुनने में लगाओ, इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगाओ, आंख से दर्शन, नाक से भगवान की तुलसी और फूल को सूंघना, कानों से भगवान का भजन कीर्तन चैंटिंग ये सब सुनना, मुंह से भगवान का गुणगान करना, जीभ से प्रसाद पाना, पैर से भगवान के मंदिर चल के जाना, हाथों से मंदिर को साफ करना, प्रैक्टिकल सेवा। जब आप इन पे लगते हो, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, तीनों योग को आप पार कर जाते हो। कोई अलग प्रकार का आपको ये जो गीता में यज्ञ बताया गया, इसको करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने जो नॉलेज दी वो कंप्लीट नॉलेज है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। भगवान ने अलग अलग यज्ञ बताए, मगर प्रभुपाद जी कहते हैं जो इसको करता है उसका ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, सीधा भक्ति योग में आएगा और भक्ति योग में उसका ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इस तरह से लैडर है, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। आप सीधा भक्ति योग पे आओ, अपने कर्मों को, अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, मन को भगवान की सेवा में, अहंकार को भगवान की सेवा में, बुद्धि को भगवान की सेवा में, ऑटोमेटिकली वो भक्ति भक्त बन जाएगा। तो ये थे आज के 30 श्लोक भगवद गीता के। आई होप काफी भक्तों को काफी कुछ क्लियर हुआ हो। मैंने आप सबको काफी टाइम लिया, अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके जो जो क्वेश्चन हैं। अभिमन्यु प्रभु जी से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा अभिमन्यु शेखावत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ थैंक प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। प्रभु यू। जी मेरे दो क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरे पहला क्वेश्चन है प्रभु जी, हाँ, कि जैसे मान लो किसी का ब्राह्मण क्षेत्र में अगर मान लो किसी का हॉल डाउन हो जाता है तो स्टार्टिंग कहाँ से पड़ेगा प्रभु जी? अगर किसी का ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण दीक्षा, इस्कॉन में दो दीक्षा होती है, जो आप देखते हैं पहली दीक्षा में व्यक्ति का नाम चेंज होता है, ठीक है, कृष्णदास, रामदास, राधिका दासी, कृष्णदासी, पहली ब्राह्मण दीक्षा कहलाती, हरि नाम दीक्षा कहलाती है, इसको कहते हैं हरि नाम दीक्षा। और दूसरा होता है ब्राह्मण दीक्षा, जिसे ब्राह्मण इनिशिएशन कहते हैं। अगर उससे किसी का फॉल डाउन हो जाता है तो क्या होगा? उसको अगला जन्म दोबारा से मनुष्य का मिलेगा। अब अगर उसने बहुत पाप किया है तो किसी और योनि में चला जाएगा, मनुष्य योनि भी कहीं है। मेरे दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो किसी की दीक्षा होती है तो उसके कान में मंत्र दिया जाता है, तो जब उसकी दीक्षा होती है तो वो कौन सा वाला मंत्र जाप करता है, हरि नाम जाप या फिर जो दीक्षा वाला मंत्र जाप करता है? पहली दीक्षा इस्कॉन में हरि नाम दीक्षा होती है, जो मुख्य दीक्षा कहलाती है। सेकंड दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा होती है, उनको एक गायत्री मंत्र बोला जाता है, गायत्री मंत्र धीरे से बोलते हैं। गायत्री मंत्र कोई पब्लिक में चलाने की या पब्लिक में बोलने की चीज नहीं होती है, गायत्री मंत्र शांति से दिया जाता है ताकि वो चुपचाप रह के गायत्री मंत्र का जप करे। गायत्री मंत्र दिन में 3 बार करते हैं, गायत्री यानी 3 बार गाया जाता है, 5-5 मिनट का होता है। तो गायत्री मंत्र 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, यानी कि दिन के 15 मिनट। और हरे कृष्ण महामंत्र कितना होता है? 16 माला के 2 घंटे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सबसे ऊंचा है। गायत्री मंत्र क्योंकि भगवान का ही है एक तरह से देखा जाए, और भगवान का पवित्र मंत्र है, मगर इस मंत्र के रूल रेगुलेशन होते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि इसी के अंदर भी गायत्री मंत्र समा जाता है। तो यानी कि गायत्री मंत्र इस तरह से है शुद्धता करने के लिए, कि हम जो है
हमारे को और प्यूरिफाई करे। प्यूरिफिकेशन के लिए गायत्री मंत्र भी हम जाप करते हैं, इसलिए उसको कानों में बोला जाता है। अब अगर वो तेज तेज लाउड स्पीकर में माइक में बजेगा तो सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी उसका पाप लगेगा। जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो प्रभुपाद जी ने वो नियम बनाया था कि ये हेड शेक करने के लिए, तो प्रभु जी जैसे मान लो कि आजकल मतलब समाज में देखा जाए तो ये परमिशन नहीं देते, खासतौर तो फैमिली वाले, तो हम प्रभुपाद जी के कैसे फॉलो कर सकते हैं इसमें? प्रभु मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। जी जैसे मान लो कि ये प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया था ना कि क्लीन शेव प्लस ये क्या कहते हैं हाँ, मतलब गंजा आप ये कह होना रहे हैं कि मतलब, अगर कोई नहीं कर पाता तो कैसे करें? हाँ, परिवार वाले रोकते हैं, समाज में क्या होगा उन सब उन तो चीज में जैसे उलझ रूप जाते और हैं। सनातन गोस्वामी ने किया वैसे फॉलो करो। रूप सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं, पर मुस्लिम राजा के अंडर काम करते थे, जॉब करते थे, तो अपनी दाढ़ी भी उन्होंने उगाली, बड़ी मूछें कटवाली, दाढ़ी उगाली, मगर अंदर बैठ के क्या लिखते थे? शास्त्र लिखते थे। ये लो पढ़ो, आप भी ऐसी करो, अगर आपको ऐसी मजबूरी आ जाए तो करो, पर इतनी मजबूरी हमारी है नहीं। उस समय तो मुस्लिम का शासन था, आज के समय में इतनी दिक्कत नहीं है, और कटवा लो दिक्कत भी क्या है। या अगर रखने को ज्यादा बोले कि नहीं, स्मार्ट लगता है तू बेटा, हमारा लड़का है, तो बहुत हल्की हल्की रखो, ऐसा ना हो कि उसको स्टाइलिश ऐसे करके बना दिया या फ्रेंच कट निकाल दिया उसका। हाँ तो ठीक है, जैसे मान लो स्पेशली होता है ना अगर नेचुरल बढ़ रही गंजा है होने वो में अलग बात दिक्कत है, वो आती नेचुरल का कोई वो रोक नहीं सकता। है। जी बिल्कुल, तो वो ये है कि जैसे मान लो कैसे, जैसे कुछ लोग अगर हम लोग कोड गंजा हो जाते हैं रूपा जी के कहने पे, तो लोग समाज बोलते हैं कि क्या आपके पापा एक्सपायर हो गए, तो ऐसे थॉट रखते हैं वो माइंड। इसलिए उनको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, और नियम अपने अकॉर्डिंगली जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी प्रभु जी। वैशाली प्रभु माने जी मेरा माते ये जी। क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु आ जी? रही है आ रही है, जल्दी से सब प्रभु क्वेश्चन जी मेरा, करें। हाँ जी, हाँ प्रभु मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ, क्या आप बोल सकती हो प्रभु जी? हाँ ज्यादा जी, वक्त तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो हरे कृष्णा प्रभु जी एंड ऑल डिवोटीज। क्लास स्टार्ट होने से पहले यश प्रभु जी ने उनका फीडबैक दिया था, मैं उनके ओपिनियन से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि क्लास में प्रेजेंटी कम हो रही है, भक्त क्लास नहीं ले रहे हैं, और ये क्लास हमारे लिए है प्रभु जी, हमारे लिए इतना समय निकाल कर ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक मैंने देखा है कि इन्होंने सभी को आंसर दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत समय निकालते हैं, एक पेरेंट्स की तरह हमारी वो केयर करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऑल ड्यूटीज को कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु जी की साइड ले रही हूँ, आप मेरे को लेकिन अपना मुझे पेरेंट बिल्कुल ना समझें, अभी मैं यंग हूँ तो आप मेरे को नहीं, अपना बच्चा लेकिन समझें। आप हमारी केयर बहुत करते हो, तो मैं कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स जिस तरह से हमारी केयर करते हैं उस तरह से आप हमारी केयर करते हो, तो हमें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना कि हम क्या अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं। नहीं ना प्रभु जी, तो जाना नहीं भक्तों को चाहिए हमें, फैमिली सिंपल है, माता जी कह रही है फैमिली की तरह रहना चाहिए। अगर छोड़ के जाएंगे, अगर आपको ये लगता है, तो कल को आप ही के समाज में आप ही के लोग, क्योंकि एक दूसरे से हम लड़ते रहेंगे, कंपटीशन चलता रहेगा, आएंगे दो चार लोग कहेंगे अरे इनके तो आपसी लड़ाई है, यही चीज देख के पहले इन्वेजन हुआ, दोबारा इन्वेजन हो जाएगा, फिर कोई ब्रिटिशर आ जाएगा, अगल बगल के चाइना के लोग आ जाएंगे, आपको कुत्ता खिलाने पर मजबूर हो जाओगे, आप भी खाना पड़ेगा आपको डॉग। और भक्त जब छोड़ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी को भी दुख होता होना होता होगा ना, तो हमें इस तरह तो से होता है, नहीं करना फैमिली का एक चाहिए। अगर पर्सन कम हो जाए तो दुख होता है। तो यही मेरी सभी डिवोटीज को रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, अच्छा था आपका फीडबैक, थैंक यू सो मच। यश माने प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी और कुछ अलग ही आज सुनने को मिला। स्पेसिफिकली वर्ड्स थोड़े बहुत हार्ड थे, ब्रह्म यज्ञ यज्ञ तो बहुत बार बार रिपीट हुआ था, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा ताकि मुझे अच्छे से समझ आए। अभी तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था अगर हम किसी से उधार लेते हैं या किसी का उधार देना होता है तो हमें इस संसार में वापस आना होता है, तो अगर किसी से हमने कुछ लिया है तो हो सकता है उसका भी कर्म हो ना, जो उसने हमें पिछले जन्म में हमसे लिया था और उसने वापस दे दिया, तो पता कैसे चलेगा उधार इसने हमसे लिया है हमने इससे लिया है। अब आप पता लगाने लगोगे तो भगवान ने पिछले में ही बोला है कि कर्म की गति बहुत गहरी है, आप नहीं जान सकते
ऐसा क्यों हुआ, मैंने लिया था या वो मुझे चुकाने आया था या मैं उसका चुकाने आया था, तो छोड़ दो, या मैं उसका लेने आया था या वो चुकाने आया था, इसलिए सोचना नहीं चाहिए। पर आज प्रेजेंट में ये देखो कि अगर मैंने किसी से लिया है तो उसको रिटर्न कर दूं, बस। पिछला उछला जो था, बाकी का आप पिछले जन्मों का हिसाब नहीं क्लियर कर सकते, इस जन्म में और पाप मत करो बस, और पाप के कार्यों में मत लगो। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था, बाकी मैं पर्सनल आपको पूछूंगा पढ़ने के बाद इसको। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। गौरव झा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी? आपने बोला कि हर जगह पे एक प्रतिस्पर्धा होती है, हमारे मित्र जनों में भी होती है, भक्तों के बीच में भी होती है, जो डिवोटी एक दूसरे को पुल डाउन करना चाहते हैं प्रभु। ये सब प्रतिस्पर्धा अपने हम लोग मानव रूप तक तो सही समझ में आता है, पर देवताओं भगवानों में भी प्रतिस्पर्धा एक तरीके का नहीं है? जब हर जगह पे कृष्ण भगवान हमेशा कहता है मैं ही सबसे सुप्रीम हूँ, मैं ही नंबर वन हूँ, तो ये एक तरीके के नहीं है? ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा देव को हर जगह स्तुति गाई जाती है, शिव पुराण में शिव जी की स्तुति गाई जाती है जिसमें हमेशा उन्हीं को नंबर वन बोला जाता है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कि भगवानों में भी कंपटीशन है? हाँ, ये प्रतिस्पर्धा इसलिए चलती है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि, पर अगर हम शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक आता है कि शिव जी एक बार भगवान कृष्ण के पास गए, तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने, कहते हैं कि कलयुग में जाके मायावाद, अच्छा एक श्लोक आता है कि आप कलयुग में जाइए शंकराचार्य के रूप में और मायावाद के दर्शन से लोगों को भटकाइए, लोगों के कंफ्यूज कर दीजिए, लोगों को बोल दीजिए कि ईश्वर निराकार है, सब कुछ है ना, मायावाद अक्षर शास्त्रम प्रपन्नम बौद्धम उच्यते, ऐसे श्लोक आता है शिव पुराण पर। उसमें बोलते हैं शिव जी को कि आप जाओ, लोगों को भ्रमित करो, इस मार्ग से हटा दो, क्योंकि मुझे ऐसे नकली भक्त नहीं चाहिए। तो लेकिन शंकराचार्य जी आए, तो उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिख दिया, भगवान का गुणगान लेकिन करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने गीता महात्म्य लिख दी, और साथ साथ में भगवान का गुणगान के साथ साथ में ये भी लिख दिया ईश्वर निराकार, ब्रह्म पे ध्यान लगाओ, कुछ नहीं होता, मरने के बाद हम भ्रमलीन हो जाएंगे, ऐसी चीजें भी उन्होंने दे दी। क्यों? भगवान कृष्ण के कहने पे। तो रुद्र, अब ये रुद्र स्तुति भागवतम में भी आती है, उनको एक वैष्णव के रूप में, उनको सबसे परम वैष्णव मानते हुए उनकी स्तुति और उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी जैसे है, उनकी भी कहीं ना कहीं स्तुति आती है, जैसे अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें तो भक्तों की भी स्तुति है, कई भक्तों ने उनके बारे में, कई भक्तों का भी बहुत गुणगान किया, कुंती का गुणगान किया गया है। और अगर आप देखें गीता में ही ले लें तो अर्जुन का गुणगान है, कवर पेज पे ही अर्जुन का गुणगान। तो प्रतिस्पर्धा शुद्ध भक्तों में नहीं होती, होती है, पर वो स्पर्धा ऐसे नहीं होती कि तेरे को पीछे खदेड़ डालूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत में भी ग्वाल बालों के बीच में और गोपियों के बीच में स्पर्धा चलती है, मगर वो स्पर्धा ऐसी नहीं होती कि इसको, मतलब मैं इसको दवाई डालूं, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा और मैं ही दिखूंगा, पर मेरा ही स्टेज पे नाम दिखे। मगर भौतिक संसार में जब आते हैं तो देवी देवता लड़ रहे होते हैं, इंद्र किसी की पोजीशन छीनना चाहता है, इंद्र चाहता है मैं राजा बन जाऊं, ऐसा ऐसा हो जाए, बहुत उसने पाप कर्म में करता है इंद्र। और जब इतने बड़े बड़े देवता करते हैं, तो हम एज अ छोटे छोटे भक्त, तिलक लगाने वाले, हम तो करेंगे ही फिर पाप कर्म और बहुत सारे, जब उतने बड़े बड़े उनकी पोजिशन पे वो लोग कर रहे हैं, तो हम में भी ये सब चलेगा। मगर जो शास्त्र में होता है कि हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा शास्त्रों में वो नहीं है, प्रतिस्पर्धा भक्तों में रहती है। प्रभु, एक और प्रश्न था, हम लोग शिखा क्यों रखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मुझसे कई बार ये पूछा गया है और मैं विदेशों में भी काफी गया हूँ, सऊदी अरब सब में भी, मक्का मक्का तो नहीं जा सकते पर उसके बगल में जेद्दा सब में गया हूँ, तो वहां पे भी लोग पूछते हैं, यूरोप में भी पूछते हैं, तो इसका सही उत्तर मेरे पास मतलब कुछ कुछ तो है ज्ञान, पर प्रॉपर ज्ञान नहीं है हाँ, ये शिखा तो आप और उन्हें बोल क्यों। सकते हो शिखा रखने का, उनको सिंपल सा, वैसे तो देखो कोई ज्यादा नहीं जानना चाहता, मैंने ये देखा है, उनको बोलो सिंपल सा है, देखो आप मुस्लिम दाढ़ी रखता है, आप जी पूछते दाढ़ी क्यों रखी, अब उसके पीछे पर्पस था, बताओ क्यों रखी उन्होंने। जब मुस्लिम, जहां से रिलीजन स्टार्ट हुआ वो कौन सा लैंड था, ड्राई लैंड, ड्राई एरिया रीजन से ये स्टार्ट हुआ, जिस है ना मक्का से। जी अब जी मक्का से जब ये स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, सूर्पनखा ने तपस्या करी थी त्रेता युग में, सूर्पनखा की तपस्या हुई, उसके वंशज में ऐसे बांट दिया, यहाँ रख दिया, तो स्त्रियों ने तो ऐसे लगा लिया,
अब एक मुझे सिंपल सा बात बताओ, अगर मूछ रखेंगे और दाढ़ी रखेंगे, पसीना दाढ़ी में ज्यादा आता है या मूछ में आता है? मूछ में सबसे पहले आता है, इस एरिया में पसीना सबको पहले आता है, इसलिए मैं भी आप देखेंगे कभी ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता हूं जनरली, आप हैंकी से ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं अच्छा करते, इसलिए मुंह छुड़वाई। तो उनको एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए, पानी नहीं होता तो वजू कर लो। अब वो जी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ये सब हुआ, और ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग फेथ्स में बने। तो बोलो आप, जब उनको नहीं बोलते दाढ़ी रखने के लिए तो हम शिखा रखते हैं, जैसे सिख को आप पगड़ी बांधने के लिए रोकते हैं, हम शिखा रखते हैं। अंग्रेज तो कुछ भी करता है, फिर अंग्रेज का तो कोई मान धर्म ही नहीं बचा क्रिश्चियन लोगों का, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फॉलोअर क्रिश्चियंस ही हैं। आप इस तरह से बोलो तो बोलो, ये हमारा एक, आप कह सकते हो एक वो है, वैदिक प्रथा है। और दूसरी चीज ये है, शिखा बांधने से बताते हैं कि हमारा जो यहाँ पे बोला जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसे ज्ञान का केंद्र माना जाता है, कि इस एरिया जी को जब हम बांध के रखते हैं तो हमारा ज्ञान टिका रहता है, और इसको खोल दो तो हमारा ज्ञान बह जाता है। इसको ज्ञान का केंद्र बोला गया, इसलिए जब गुरुकुल जाए इसको रखते हैं, जब कोई मर जाता है तब भी इसको रखते हैं एकदम हेड शेव करा के, तो ये ज्ञान का केंद्र कहलाता है। और साइंस कहता है ऑसीपेटल एरिया गर्म रखने से, हमारा ये एरिया गर्म रखना चाहिए, स्त्रियों को भी ये बांध के रखना चाहिए, उससे हमारी सोचने की शक्ति अच्छी बढ़ती है, थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग पावर बढ़ती है अकॉर्डिंग टू साइंस। आप डाल सकते हो ऑसीपिटल, वाई वी शुड कीप आवर ऑसीपिटल एरिया वार्म। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि ये एनर्जी को जैसे एक लाइटनिंग कंडक्टर सारे एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके धरती में ले जाता है, वैसे ही जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं हमारे शक्ति से जो ऊर्जा आती है उसको एक जगह केंद्रित करता है और उससे हमारे मस्तिष्क में एक एनर्जी क्रिएट करता है। थिंकिंग एबिलिटी बनती है, बस आप उनको ये सही ऐसे ही बोलना चाहिए, बट आप उनको एग्जाम्पल इस तरह से दो, धार्मिक एग्जाम्पल देने चाहिए कंपैरिजन करके, सर वो तो साइंस सुनने पे नहीं धार्मिक वाले। अच्छा साइंस वाले हैं फिर तो नहीं मानेंगे, ठीक 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 है। हरे धन्यवाद कृष्ण। हरे आज कृष्ण का लास्ट क्वेश्चन हनुमान प्रजापति प्रभु जी का। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु हाँ जी जी, आपके आपके अकॉर्डिंग चतुर्मास में लोग क्या क्या कर सकते हैं? मतलब चतुर्मास में और क्या क्या कर सकते हैं? इसमें ये डिपेंड करता है, जनरली जो भक्त नियम लेते हैं, जनरल नियम बता रहा हूँ जो आप ले सकते हो, कि अगर मैं 16 माला करता हूँ तो 17 कर लो या 18 कर लो, एक बेसिक। अगर मैं दो करता हूँ तो 3 कर लो, एक माला मैंने बढ़ा दी, पूरे 4 महीने में 3 माले का प्रण लेता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा करूंगा। अगर मैं मंदिर हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, हफ्ते में एक दिन, या महीने में एक दिन जाता हूँ तो महीने में 2 बार जाऊंगा, अगर हफ्ते में एक दिन जाता हूं तो प्लान करूंगा 2 बार जाऊं। एक प्रैक्टिकल नियम, इम्प्रैक्टिकल नियम नहीं लेने चाहिए, 7 बार जाऊंगा जा एक बार भी नहीं रहे, ऐसा इम्प्रैक्टिकल नियम नहीं, प्रैक्टिकल नियम होना चाहिए। चतुर्मास में अगर मैं बाहर का खाना खाना पसंद करता हूं, मैं अभी भक्ति में इतना आगे बढ़ा चढ़ा नहीं हूं, तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दूंगा, केवल घर खाऊंगा तो घर का, चाहे फ्रूट्स खाने पड़े। मैंने आज तक एकादशी नहीं रखी, चतुर्मास में प्रण लेता हूँ कि मैं एकादशी रखना स्टार्ट करूंगा। कुछ ना कुछ ऐसे एक बेसिक नियम जो हम रख सकते हैं अपने अपने हेल्थ अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है प्रभु जी, ओके प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक हरे कृष्णा। है प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक है, लास्ट एक बार ही चैट बॉक्स देख लेते हैं जल्दी से। हाँ हमारे घर का नाम वृंदावन है, यश माने प्रभु जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। शरीर निर्वाह क्या होता है? स्नेहा शर्मा माता जी कह रही हैं शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, यानी कि शरीर के रिक्वायरमेंट्स के लिए, नीड्स के लिए बस, यानी डिजायर नहीं, शरीर की जितनी नीड है उसके लिए, शरीर जिससे जी सके, यानी अगर दो रोटी से जीने जी सकते हो तो इसे शरीर निर्वाह कहते, इतने से हमारा काम चल जाएगा शरीर का। डुअल नेचर इज बिग प्रॉब्लम इन सोसाइटी, दीप कौशिक माता जी कह रही है, बिल्कुल करेक्ट। रश्मि माता जी कह रही है मेरे फोन में आज आपकी आवाज नहीं आ रही, हो सकता है माता जी कुछ नेटवर्क इशू हो या फोन का इशू हो। दीप कौशिक माता जी कह रही है ब्रह्म ही कृष्ण है, मीनिंग तो यही है, जो ब्रह्म भी है वो भी कृष्ण है। हाँ जी रश्मि रंजन प्रभु जी, ये हमारे यहाँ फोटोकॉपी 2 रुपीज पर प्रिंट है, तो ये बता रहे हैं रश्मि रंजन प्रभु जी, ओडिशा रहते हैं तो वो बता रहे हैं अगर गीता को आप कॉपी कराने निकलो तो उनके यहाँ 2 रुपीज पर प्रिंट पड़ेगा और महंगा। यश माने प्रभु जी कह रहे हैं हैव अ सीट, नॉन वेज, इस तरह की बात करते हैं जब उनके यहाँ पे जाते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया वेटर्स का और एक मालिक का। फिर आता है
यश माने प्रभु जी लिखते हैं, गृहस्थ व्यक्ति अनमैरिड हो सकता है, गृहस्थ व्यक्ति अनमैरिड तो हो सकता है, ये तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है, मगर अकेले रहने से उसको घेरेगी चीज, वो गृहस्थी में है ही इसलिए, अपनी फैमिली के साथ है ही इसलिए, ताकि मतलब इंद्रिय तृप्ति से, मतलब कहीं ना कहीं उसको इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी छूट मिल जाए, मगर वो चीज को फिर घेरेगी इधर उधर की चीजों में, इसलिए अकेले रह तो सकते हैं पर रहना बहुत मुश्किल है। गीतांजलि माता जी, ग्रह सारी सेवा करते हैं, करेक्ट माता जी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी कह रहे हैं, फॉर फीमेल्स गृहस्थ इज नेसेसरी। प्रभु जी कौन से कलर के कपड़े होते हैं इन आश्रमों में? आजकल के समय के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मचारी सैफ्रॉन पहनते हैं, गृहस्थ व्हाइट या अलग अलग कलर पहनते हैं, जैसे मैंने पहना है, आप सबने पहना है, और वानप्रस्थी होते हैं, वानप्रस्थी इन जनरल व्हाइट पहनते हैं, केवल व्हाइट में रहते हैं, ज्यादा चीजों में नहीं रहते, कलरफुल कपड़े थोड़ा ना ले जाएंगे वन में जाते हुए कि चलो साड़ी ले चलूं, सिल्क की साड़ी, तो व्हाइट कपड़ों में रहते हैं, और सन्यासी जो होते हैं वो सैफ्रॉन में रहते हैं। आ रहा है प्रभु जी समझ में? समझ आ रहा है, प्रीति माता जी कह रही हैं, कोमल कश्यप माता जी कह रही हैं समझ आ रहा है। नेक्स्ट आता है हरे कृष्णा राम्या माता जी, हनुमान प्रजापति प्रभु जी कह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पर क्वालिटी चैंटिंग भक्ति, यस। थैंक यू आशीर्वाद भैरव प्रभु जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, सुमन चटर्जी माता जी का नाम है, शशि लेखा सुमाधुरी माता जी कह रही हैं, बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन करके कर पाई, आपकी क्लास से भक्ति में बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। अभय सिंह प्रभु जी राइट, थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू पूनम माता जी, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी, थैंक यू यश माने प्रभु जी, थैंक यू कोमल कश्यप माता जी, थैंक यू डॉक्टर रजनी माता जी, थैंक यू अजय माता अंजू मा अजय प्रभु जी, थैंक यू अंजू माता जी, थैंक यू गौरव झा प्रभु जी। ठीक है, अब हम एंड करते हैं आज की क्लास को, नेक्स्ट क्लास अपडेट करेंगे जल्दी, तो सबको अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हर